हाँ चलिए, तो एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, वी आर। चलो तैयार सब लोग? ठीक है, कैसा लगता है ज्योमेट्री आप लोगों को? बेकार कौन बोला? देखो मैंने पहले भी आपसे बोला है, बेकार लगे अच्छा, पढ़ना तो पड़ेगा, परीक्षा में तो आएगा, है ना। और परीक्षा के हिसाब से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, है ना, अति वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में नहीं होता था, अपन लगाते थे ऐसे वी 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 और आईएमपी, है ना, बस यही समझ लो आप, वेरी 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 आईएमपी। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको हम लोग समझेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे। अगर ज्योमेट्री की बात की जाए तो आप समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे करीबन 300 से 400 तो इसमें कंसेप्ट होते हैं, मिनिमम बता रहा हूं मैं, कितने, या हम बोल सकते हैं थ्योरम्स। थ्योरम्स मतलब क्या होता है, प्रमेय, है ना। तो 300-400 पॉइंट्स इसमें होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, उसके बाद फिर आप इस प्रकार के चैप्टर को कर सकते हो। शायद आपने अभी ऑफलाइन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन ज्योमेट्री सीखने का सबसे अच्छा मैं आपको पहले कुछ तरीका बता देता हूं, है ना, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके लिए आपको पहले से मैं मेंटली प्रिपेयर कर दूं ना, ठीक है। बकरे को जब काटते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, उसको खिलाते पिलाते ना, कितना ध्यान रखते हैं बेचारे का दो दिन पहले, है ना। तो आगे जो होने वाला है उसके लिए आपको मैं पहले से बता दूं, है ना। देखो मैंने पहले आपसे क्या कहा कि आपको अच्छा लगे या ना लगे इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, है ना। और एसएससी की आप बात करो, किसी भी एग्जाम की, ज्योमेट्री आएगा ही आएगा। स्टेट लेवल के अगर हम किसी भी एग्जाम की बात करें, ज्योमेट्री आएगा ही आएगा, है ना। और इसके दो दो तीन तीन सवाल आते हैं एसएससी में, तो उससे भी ज्यादा आते हैं। सवाल बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो ईजी कब होंगे, जब आपको इसकी थ्योरम्स पता होगी, जिसको हम थ्योरी बोल सकते हैं, यानी आपको जो भी 200, 300, 400 पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब थ्योरी कैसे याद रखी जाए, तो थ्योरी याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन। आप अगर दो बार या तीन बार उस पॉइंट्स को रिवाइज करोगे, देखोगे, तो आपको चीजें याद हो जाती हैं। तो हो सकता है कि एक बार में, क्योंकि 200 300 पॉइंट्स हैं, एक बार में आपको सारे याद ना हो, लेकिन आप एक बार और रिवीजन करोगे, फिर एक बार रिवीजन करोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तीसरी चीज क्या आती है कि प्रैक्टिस। आप खूब सारे प्रश्न लगाइए, अपने आप इसको सीख जाएंगे। तो हम आज क्या कर रहे हैं, आज हम प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, और जहां पे जिस कंसेप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी उस कंसेप्ट का हम आपको वहां पे बेसिक भी बताते चलेंगे, समझते चलेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन आप ये बात समझ लो कि सीखना तो पड़ेगा, या तो भाग लो या भाग लो। नहीं समझ में आया, आ गया। भाग लो दो प्रकार का होता है ना भाई, ये केवल दो शब्द हैं लेकिन इनके दो मतलब हैं, या तो भाग लो या भाग लो। एक भागने का मतलब होता है रन अवे, भाग जाओ, और दूसरा क्या होता है, भाग यानी पार्टिसिपेट करो, उसमें शामिल हो जाओ। तो आप आ गए हो यानी आप भाग ले चुके हैं, और जो नहीं आए हैं वो भाग चुके हैं, ठीक है। चलो, तो इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ जितना भी आज हम करेंगे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और मेरे ख्याल से अपना सेशन यूट्यूब पे भी लाइव हो चुका है ना, यूट्यूब पे भी चल रहा है, करीबन 2000 के आसपास लोग अभी आ चुके हैं। आवाज थोड़ी सी कम कर दो, आवाज में थोड़ा सा इको है। चलो एक बार जरा मैं यूट्यूब वालों के हालचाल ले लूं, ठीक है क्या, कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे अपन इन लोग के। हाँ ठीक है, आप में से भी कोई लाइव देख रहा है क्या यहाँ पे? अब देखो उन लोगों की बात करिए ना, कमेंट की स्पीड बढ़ गई एकदम से। चलो भैया, YouTube पे जो देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत, और जो ऑफलाइन में उनका भी स्वागत, और जो संडे में अपने बिस्तर में चद्दर के अंदर दबे पड़े हैं, है ना। कई लोग ऐसे होंगे, एकदम ऐसा मोबाइल होगा, लेटे पड़े होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं भैया, है ना, पढ़ाई चल रही है। चलो, तो आपको कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे दूं, इसके बाद फिर अपना अध्याय शुरू करते हैं। तो इस क्लास की पीडीएफ क्लास के खत्म होने के थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सब लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हो, है ना। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है,
द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल है ना, बहुत सारे नकली भी हैं लेकिन असली में जुड़ना। और इस पे 3.25 लाख के आसपास लोग टेलीग्राम चैनल का हिस्सा है, तो आप ओरिजिनल वाले से जुड़ना। अगले सिस्टम, अगले जो संडे है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम। पढ़ना चाहते हो आप लोग? yes, 3 घंटे लगातार, ठीक है? तो अगले संडे ये ऑफलाइन भी रहेगा और ऑनलाइन भी रहेगा। क्या पूरा तो नहीं हो सकता है ना, पूरा तो नंबर सिस्टम जैसे मैंने पढ़ाया है इसको एक बार CGL लेवल का, तो ये करीबन 20 घंटे का मान लेते हैं, 20 घंटे का चैप्टर है ना, तो 3 घंटे में हम उसका एक अंश पढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर स्टेट लेवल एग्जाम्स की बात करें या प्रीलिम्स लेवल की बात करें तो काफी कुछ मैं करवा दूंगा उसका, एक आध बार और रख लेंगे, हो जाएगा वो। तो अगले संडे ये रहेगा, आओगे तुम लोग संडे? कि लाइव कर दूं मैं उसको घर से ही? आओगे? चलो बोल तो देते हो सब लोग। और विनर्स की टोटल 6 यूट्यूब चैनल है आपको पता है ना, और बहुत जल्द अपना जो सबसे पहला सबसे बड़ा चैनल है बहुत जल्दी कितना बनने वाला है, 2 मिलियन, 2 मिलियन का परिवार बनने वाला है, 20 लाख का। और अगर सारी चैनल्स को जोड़ लोगे तो लगभग 30 लाख, 3 मिलियन का परिवार आज के समय में विनर्स है ना। तो सभी चैनल से कितने लोग सारी चैनल से जुड़े हुए हैं, सारी चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है? कितने लोग दगाबाज धोखेबाज हैं, ठीक है? तुम लोग भी जुड़ जाना है ना। और ये कल SSC की एक चैनल है, इस पर कल मैंने CGL का नोटिफिकेशन भी डाला था। CGL की 20,000 वैकेंसीज आई है, पैटर्न में थोड़ा चेंज है। आज शाम को मैं फिर से इसकी एक डिटेल का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, पढ़ने लिखने वालों के लिए कोई टेंशन नहीं, बल्कि अच्छी बात क्या है कि 20,000 वैकेंसीज आई है। और मेरा सजेशन है आप सब फॉर्म भरें, जो लोग यहां बैठे हो, जो लोग YouTube पे देख रहे हो, सब फॉर्म भरो, क्योंकि पढ़ना क्या है, वही मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और GS। 20,000 वैकेंसीज है, आप समझ लीजिए पिछले वर्षों की तुलना में लगभग डबल वैकेंसीज हैं, तो चांसेस जो हैं सिलेक्शंस के वो भी क्या है, डबल है। तो फॉर्म सभी को भरना है, पेपर सभी को देना है, ठीक है? कभी भी आप SSC की तैयारी कर रहे हो, देखो एक बैंक अलग सेगमेंट हो जाता है, अगर आप बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको किसी भी तरफ नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आप SI पटवारी कांस्टेबल इनको टारगेट भी कर सकते हो, SI पटवारी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या स्टेट लेवल परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप SSC की तरफ बिल्कुल देख सकते हो। लेवल का थोड़ा बहुत फर्क है जिसको आराम से प्रैक्टिस से कवर किया जा सकता है, लेकिन आपको ये जरूर फॉर्म भरना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, और आप यहां पे हैं, तैयारी तो आपकी अच्छी होनी है, ठीक है? और हर संडे विनर्स की ऐप पे टेस्ट होते हैं, आप लोग देते हो? कितने लोग देते हो? ठीक है, देखो SSC वालों के लिए SSC का टेस्ट है, बैंक वालों के लिए लाइव चल रहा है ये, क्योंकि आज ज्योमेट्री की क्लास बैंक वालों के लिए है नहीं, तो उनके लिए 9 बजे चल रहा है, 11 बजे SSC का रहेगा जिसको आप बाद में भी दे सकते हो, वन रक्षक का, रेलवे का। तो ये 4 ऐप पर टेस्ट है, हर संडे विनर्स की ऐप पे टेस्ट होते हैं फ्री, सभी को ये देना चाहिए। इसमें आपको अपनी रैंकिंग दिखती है, आपको पता चलता है कितने नंबर आए, कितनी आपकी पोजीशन है, तो ये सभी को टेस्ट देना ही चाहिए, ठीक है? हाँ जी, कर देंगे, जैसे अभी पटवारी था, इस बार वन रक्षक हो गया, अगली बार ऐसा ही कर देंगे, ये बदलता रहेगा, ठीक है? सब आते रहेंगे। चले, इतना प्रचार प्रसार काफी है, अब करते हैं शुरुआत। कुर्सी की पेटी बांध लें, कॉपी खोल लो, पेन को जरा चालू करके देख लो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है? चलो शुरुआत हम आसान प्रश्नों से करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, देखते हैं 40, 50, 60 कितने प्रश्न करते हैं। तो आने वाले 2.5 घंटे यानी 12 बजे तक या 12:30 बजे तक आप मेरे साथ रहेंगे, बीच में कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं जाना है, पानी पीते रहो लेकिन उठना नहीं है आपको अपनी जगह से। चलो, सवाल दिख रहा है आप सभी को? हाँ, बहुत ही आसान, एकदम नन्ना मुन्ना सा सवाल है, सभी को ये आता होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ देखो, आपको पता है दी गई आकृति में x का मान बताना है, तो ये एक सीधी रेखा है, ये इस प्रकार का एक कोण है, इधर वाला कोण कितना है 3x है और इधर वाला कोण कितना है 5x+4 है। अब आपको पता है कि ये कंप्लीट एंगल कितने अंश का होता है, 180 का, तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 5x+4+3x किसके बराबर होगा, 180 के। तो 5 और 3 कितना हो गया, 4 गया, तो कितना बचा, 174, 8 से भाग जाएगा क्या, अरे 176, 8 से भाग जाएगा क्या, 8 × 2 = 16, 16 मतलब 22, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 22 हो गया। कैसा लग रहा है? ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करवाया है, ठीक है? अगला सवाल, क्या दिख रहा है, क्लियर सभी को?
ये 5y है, ये 5y है, ये 2y है, कोई YouTube पे कमेंट कर रहा है सर बस ऐसे ही सवाल पूछते रहो आप तो। हाँ जी आ गया। देखो आप लोग शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल समझते हो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने थ्योरी अभी नहीं पढ़ी होगी, कोई है आप में से ऐसा, या स्कूल टाइम के बाद अभी तक नहीं पढ़ी है ना, तो कुछ चीजें मैं बताते जाऊंगा, जहां डाउट हो आप पूछ लेना है ना, लेकिन आप चीजें सीख जाओगे। मान लो आज हमने 50 क्वेश्चन करे तो 50 कंसेप्ट आज आप सीख जाओगे है ना, तो कुछ लेकर ही जाओगे। आपको इतना समझ में आना चाहिए जब दो ऐसी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो कोण होता है और ये वाला जो कोण होता है इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं है ना। तो आपको यहां कुछ नहीं करना था, जैसे इन्होंने एक लाइन यूं खींच दी, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, ये वाला एंगल कितना है 5y है, ये वाला एंगल कितना है 2y है, और अगर ये वाला 5y है तो सामने भी क्या होगा, ये भी आपका 5y ही होगा। तो अब बताओ ये पूरा कितना बन गया 180, सिंपल बात है। तो 5 और 5 10 और 2 कितना हो गया 12, तो 12y की वैल्यू कितनी है 180, तो y बराबर कितना हो गया 180/12, और अगर 180 में 12 का भाग दोगे कितना आएगा 15, तो आपको y का मान कितना मिल गया 15, पूछा क्या है, अच्छा y ही पूछा है, तो आपका आंसर कितना आएगा 15। आया समझ में, पक्का, कितने लोगों का आंसर आ गया था, बस अच्छा इसका आंसर कितने लोगों का आ गया था, इसका तो सबका आ गया था, ठीक है ये समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप बिना पेन उठाए दे सकते हो वैसे तो, हाँ यूट्यूब वाले सभी बच्चे ध्यान रखें, देखो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन में थोड़ा सा कमेंट पढ़ना मुश्किल होता है, तो आप फुल स्क्रीन करें और पढ़ाई करें बस, शेरो शायरी बाद में कर लेना। बोलो 50 आएगा। देखो यहां पर एक बात समझो, इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम को डार्क कर देता हूं, ये हो गया ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपका कितना है 70 है, ये आपका कितना है 120 है। आप सभी को एक नियम पता होगा, आपको ये पता होगा कि ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है, मान लो इसको मैं ए नाम दूं, इसको बी नाम दूं, तो ये वाला इसके बराबर होता है, ये पता है कि नहीं। इसको बहिष्कोण प्रमेय बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम बोलते हैं। ये जो बाहर बनने वाला कोण होता है उसके अंदर, ये जो अंदर वाला कोण होता है इसके विपरीत दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। बहुत काम आएगा ये कंसेप्ट आपको है ना। तो आप एक बात समझिए, जैसे अब हम इसको यहां अप्लाई करें, ये वाला अगर 120 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी किसके बराबर होंगे 120 के होंगे। ये बात समझ में आ रही है। अगर एक बात तो ये हो गई, दूसरा यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं एकांतर कोण, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। जब दो समानांतर रेखाएं और एक इस प्रकार की तिर्यक रेखा हो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है बराबर, इसको बोलते हैं एकांतर कोण या इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और अच्छे से समझना हो तो जहां पे Z वाला पैटर्न बने है ना, ये जो Z जब भी बनता है बशर्ते ये दोनों क्या हो एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के समानांतर, तो ये आपका कहलाएगा एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल ठीक है। तो आप ये बताइए कि अगर ये वाला कोण 70 है तो क्या ये वाला भी 70 होगा, हाँ या ना, होगा। और अगर ये दोनों कोण का योग 120 है, यहां 70 है, तो बोलो यहां क्या आएगा, बस ये आंसर आ गया आपका, आया कि नहीं बोलो जल्दी, आया। अगर ये वाला 70 तो ये वाला 70 अल्टरनेट हो गया, एकांतर हो गया, और अगर यहां 120 है तो इन दोनों का योग भी कितना आएगा 120, तो अगर ये 70 है तो ये वाला कितना आएगा 50, चलेगा डायरेक्ट। अगला सवाल
सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है, बिना पेन उठाए आप इसमें भी आंसर दे सकते हो। क्या आएगा? देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला, एक ट्रायंगल है, बीसी को डी तक बढ़ाया गया, एसीडी 100 है, बीसी और एसी बराबर है, एबीसी का मान बताओ। इन्होंने कहा कि बीसी और एसी बराबर है ना। तो अगर और क्या बोला है, एसीडी यानी ये वाला एंगल कितने अंश का है, 100 का है। तो आपको एक बात पता है कि अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अगर दो साइड्स इक्वल है, इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला, और इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने बनने वाले एंगल्स कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अभी आपने सीखा था कि अगर ये वाला 100 बन रहा है तो ये दोनों का योग भी क्या होगा, पर ये दोनों तो इक्वल है, अगर भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर है। तो अगर ये 100 है तो ये वाला भी कितने का होगा, 50 का, और ये वाला भी कितने का होगा, 50 का। आया समझ में? क्लियर है? पक्का? बड़े आगे। अब एक बढ़िया सवाल आया है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखें प्रश्न को, थोड़ा घूर के देखें तो शायद आपसे बन जाए। बता दूं? नहीं बताऊं? चलो देख लो और देख लो। बीसी एसी और एडी बराबर है, चिन्ह बने हुए हैं। ई ए डी, ई से लेकर ए तक, ए से लेकर डी तक 81 डिग्री है। एक्स का मान आपको पता लगाना है। पता नहीं, देखते हैं सॉल्व करने पता चलेगा। बता दूं? चलो मैं आपसे जो पूछूंगा वो बताना है ना, तो आप भी अपने आप भी मेरे साथ साथ दिमाग इसमें लगाओ। आप एक बात बताओ, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, दो कोण भी बराबर होंगे, इसके सामने अगर x है तो इसके सामने भी क्या होगा, मतलब ये भी कितना आएगा, x आएगा। अच्छी बात है ना। अच्छा फिर एक बात बताओ, अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी बराबर होंगे क्या, है ना, ये दोनों भी बराबर होंगे। अच्छी बात है। अब एक बात और बताओ मुझे, यहां पे अगर ये है और ऐसा है ना, आप समझना मैं केवल इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, एबीसी की। अगर ये ए हो, ये बी हो और ये क्या हो, सी हो, अगर इसकी हम बात करें और ये वाला एंगल क्या है, एक्स है, और ये वाले दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो अगर ये एक्स है तो ये दोनों बताओ क्या होंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से देखो, केवल इस त्रिभुज को देखना, ए बी सी को देखना, ये बाहर बनने वाला कोण है, ये जो बाहर कोण बनता है ये इन दोनों के बराबर होता है, हाँ या ना, है ना। और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर है। तो अगर ये एक्स है तो एक्स दोनों में बटेगा क्या, है ना, दोनों में बटेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला क्या होगा, x by 2, और ये वाला भी क्या होगा, x by 2, हाँ या ना, बोलो जल्दी। ठीक है, और आगे देखो। अब एक बात और बताओ, अब ये बताओ, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, ये आपका हो गया a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका d, और ये क्या है, 81 डिग्री है। मैंने ये बीच वाली लाइन हटा दी है ना, बाकी सब है। अब ये बताओ, ये वाला कोण कितना है,
एक्स बाई टू, ये वाला कोण कितना है? तो ये दोनों कोण क्या इसके बराबर होंगे? हाँ या ना? ठीक है, बस तो हो गया, ये हो गया आपका एक्स बाई टू प्लस एक्स, किसका गुणा कर दो, तो यहां टू से मल्टीप्लाई होगा तो केवल बचेगा एक्स, इसमें दो का गुणा होगा तो क्या बनेगा 2x, इसमें दो का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 162, ये जोड़ के क्या बनेगा 3x, जो किसके बराबर होगा 162 के। अब इसमें तीन का भाग दे दो तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, तो x का मान क्या आएगा 54। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो, आ रहा है समझ में? अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दो भुजाएं बराबर तो दोनों कोण भी बराबर, क्लियर है? फिर अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इस त्रिभुज में ये बाहर बन रहा है तो ये वाला कोण इन दोनों के बराबर होगा और दोनों कोण भी बराबर हैं तो x आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये x बाई टू हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x बाई टू हो जाएगा। फिर हमने ये x बाई टू है, ये x है, जो किसके बराबर होगा 81 के। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है पक्का? बड़े आगे, अब डायग्राम ही नहीं रहा। सबसे ज्यादा मुश्किल कब होता है? जब डायग्राम ना हो। उसका तरीका होता है इसको अच्छे से पढ़ो, एक कला एक आदत आप अच्छे से बना लो, अगर सिलेक्शन लेना है प्रश्न को ढंग से पढ़ना सीखो। आप अगर मैथ्स अच्छा करना चाहते हो, मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपसे हर प्रकार का प्रश्न बने, तो आज से एक आदत बनाओ कि प्रश्न को ढंग से पढ़ना सीखो। आप जब इस आदत को बनाओगे तो शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर ये आदत सुधरेगी, क्योंकि एग्जाम में, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, एग्जाम में आप सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या करोगे, आप प्रश्न को, क्योंकि एग्जाम में हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हम बहुत हड़बड़ाते हैं, तो हम वहां प्रश्न को ढंग से पढ़ ही नहीं पाते और बार 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 उसमें फिर गलती करते हैं, फिर गलत आंसर आता है, फिर हम बोलते हैं अरे यार प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ा था। तो उस आदत को अभी से सुधार के जाओ। पैतालीस आ रहा है। देखो त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु, हाँ, प्री और मेंस दोनों में अब सब पढ़ना पड़ेगा आपको, कंप्यूटर और आ गया ना नया, हाँ दो मिनट इसको वापस चालू कर रहे हैं। दो मिनट और, पीडीएफ खुलने में 2 मिनट और लगेगा। क्या? हाँ कमेंट पढ़ लेते हैं ना तब तक। हाँ चलो भैया, जब मर मर के ही चलना था तो नाम जियो क्यों रखा, क्या बात है। सब घर जाओ ऑनलाइन वाले, सर अपने पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ऑफलाइन क्लास है, अपना अपन कबाब में हड्डी है। और क्या बोल रहे हैं, चका घूम रहा है सर, सो फनी। कितने तेजस्वी लोग हैं, नहीं कहां पहुंच गए थे अपन, हाँ इस वाले पे थे। हम्म,
सर यूट्यूब वालों को कुछ कह के थोड़ी तसल्ली दे दो। कुछ, उन्होंने बोला कुछ कह के तसल्ली दे दो, तो कुछ कुछ बोल दिया। चलो अब सब सही है। हाँ जी, देखो तकनीकी समस्याएं आती रहती है ना, लाइट चली गई, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया, अपन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, है ना। तो एक बढ़िया सुंदर सा ट्राइंगल हमने बनाया, उसका नाम दे दिया हमने एबीसी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसको भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया, तो बीसी को आपने डी तक बढ़ा दिया। एसीडी, एसीडी यानी ये वाला कोण कितने अंश का है, 117 अंश का है। एबीसी 5/8 है बीएसी का। देखो एंगल एबीसी जो है ये 5/8 है एंगल बीएसी का। तो आप एक छोटा सा काम करो, इस बीएसी को उठा के इसके नीचे रख दो। बीएसी यहां आ सकता है क्या, है ना। तो बराबर में 5/8 है, इसका मतलब एंगल एबीसी 5 है और एंगल बीएसी कितना है, 8 है। इतनी बात समझ में आई, है ना। तो एबीसी, एबीसी यानी ये वाला कोण कितना है, आप इसको 5x बोल दो, और बीएसी, बीएसी ये वाला कोण कितना है, 8x है, है ना। फिर वापस वही नियम लग गया, कौन सा वाला, कि ये जो बाहर वाला कोण है इन दोनों के बराबर होगा। तो ये हो गया 8 और 5 13, 13x इज इक्वल टू 117, x बराबर कितना आ गया, 9। और अगर x बराबर 9 है तो एबीसी की माप बताइए, एबीसी 9 और 5 कितना होगा, 45। आया समझ में, आया ना। ये 5x है, ये 8x है, है ना, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 117। तो ये आपका आ गया 13x = 117, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, गलती होगी इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन गलती कर करके ही सीखोगे। एबीसी में ए 40 है, बी और सी के कोण समद्विभाजक द्वारा बनने वाले कोण का मान ज्ञात करिए। आप सब लोग मुझे एक बात बताओ, किसी त्रिभुज के अंदर कितने केंद्र बनते हैं, सेंटर्स इन ट्राइंगल, 4 होते हैं। त्रिभुज के अंदर कितने केंद्र होते हैं, 4। नाम बोलो, एक होता है आपका केंद्रक, मैं आपको रिविजन करवा रहा हूं, केंद्रक, केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। इसको बनाता कौन है, माध्यिका। केंद्रक को कौन बनाता है, माध्यिका। और बोलो, दूसरा बोलो, अंतः केंद्र, कौन सा, अंतः केंद्र, इन सेंटर। और इसको कौन बनाता है, कोण अर्धक, या जो प्रश्न में लिखा है कोण समद्विभाजक, इंग्लिश में एंगल बाईसेक्टर। तीसरा केंद्र बोलो, परिकेंद्र, क्या होता है, परिकेंद्र, जिसको बोलते हैं सरकम सेंटर। इसको कौन बनाता है, भुजा लंब समद्विभाजक। अरे ये एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इतना ही कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे, है ना। तो परिकेंद्र को कौन बनाता है, भुजा लंब समद्विभाजक, साइड परपेंडिकुलर बाईसेक्टर। और चौथा केंद्र होता है, मैं ही बता देता हूं, लंब केंद्र। और लंब केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और इसको कौन बनाता है, इसको बनाता है शीर्ष लंब। ये 4 केंद्र होते हैं, याद रखना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, है ना। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर 4 केंद्र होते हैं, ले लो फोटो ले लो, वैसे तो पीडीएफ, अब लाइट नहीं गई तो पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं तो वीडियो तो है ही। केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र। केंद्रक को कौन बनाता है, माध्यिका। अंतः केंद्र को कौन बनाता है, कोण अर्धक। परिकेंद्र को कौन बनाता है, भुजा लंब समद्विभाजक। और लंब केंद्र को कौन बनाता है, शीर्ष लंब। क्लियर है, यहां क्या बात चल रही है।
यहां क्या बोला है, कोण समद्विभाजक। तो जैसे ही आपने सुना कोण समद्विभाजक को हिंदी में और दूसरा नाम क्या दिया गया है, कोण अर्धक, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, जो कोण को आधा आधा बांटे, है ना। तो अब ये चीज आपको तुरंत क्लिक होनी चाहिए कि किस केंद्र की बात चल रही है। तो यहां पे बात चल रही है अंतः केंद्र की, यानी कोण सम कोण अर्धक की। तो देखो इन्होंने बोला बी और सी के कोण समद्विभाजक बनाना है, तो हमने एक त्रिभुज बनाया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। एक कोण ये है और एक कोण ये है। कोण अर्धक का मतलब होता है जो कोण को दो बराबर भागों में बांटे। तो इसने कोण को दो बराबर भागों में बांटा, इसने कोण को दो बराबर भागों में बांटा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब इन्होंने बोला कि कोण ए कितने अंश का है, 40 का है, ये वाला कोण कितने अंश का है, 40 का है, और आपसे पूछा है ये वाला कोण कितने का होगा, यानी दोनों कोण अर्धक कितने अंश का कोण बना रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है। 80 का हो जाएगा, 80 का नहीं होगा भैया। इसका एक नियम होता है कि जब भी ये कौन सा केंद्र कहलाएगा, अंतः केंद्र, कौन सा कहलाएगा, अंतः केंद्र, इंग्लिश में बोलेंगे इन सेंटर, और इसको कौन बनाता है, कोण अर्धक। तो ये जो कोण बनता है, ये बनता है 90 डिग्री प्लस सामने वाले कोण का आधा, 90 डिग्री प्लस सामने वाले कोण का आधा। तो ये आ गया आपका 90, इसके सामने क्या बन रहा है, 40, 40 का आधा कितना होता है, 20, तो आंसर कितना आएगा, 110, 20 का आंसर है। नहीं होगा, वो कब होता है, जब आपका लंब परिकेंद्र होता है ना। जब भी त्रिभुज ऐसा हो और आपको कहें कि ये परिकेंद्र है या वो किसी वृत्त के अंदर हो, उस केस में क्या होता है कि केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का डबल, पर वो होता है परिकेंद्र में, यानी जब वहां पे भुजा लंब समद्विभाजक की बात होगी, या जब कोई त्रिभुज वृत्त के अंदर हो तब ये नियम लगता है। पर यहां ना वृत्त है ना परिकेंद्र है, तो अंतः केंद्र में 90 प्लस सामने वाले का आधा। ठीक है, क्लियर, बड़े आगे, समझ में आया, गर्दन हिलाओ, है ना, बोलना मत तुम लोग कुछ, समझ में आया। तुम लोग नाश्ते की उम्मीद से तो नहीं आए हो ना, कि जानबूझ के थोड़ा ऐसा अपने आप को दिखाओ एकदम ऐसे कि सर की इच्छा हो जाए इनको नाश्ता कराने की, ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहे हो। हाँ, अगला सवाल क्या, देखो मैं क्या करता हूं, जब भी घर से निकलता हूं ना, या तो खाना खा के या नाश्ता करके निकलता हूं, ताकि अपने को भूख ना लगे, समझे मतलब। कितने लोग नाश्ता करके आए हो, ठीक है, सवाल 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 पढ़ो। क्या है दुनिया में एक सबसे तकलीफ देने वाला शब्द पता है क्या है, उम्मीद। उम्मीद नहीं करना कभी भी, ऑनलाइन वाले सोचेंगे ये तो सर गलत बात है। एबीसी में एबी और एसी, डी और ई तक बढ़ाया गया, और सीबीडी बीसी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर इस प्रकार मिलते हैं कि बीओसी 63 है, तो ए का मान ज्ञात करिए। अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसी का ये दूसरा कंसेप्ट है, मतलब उसी दो पॉइंट होते हैं, ये उसका दूसरा पॉइंट है। मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूं, इधर सब लोग ध्यान दीजिए। ये एक ट्राइंगल है, मान लो, है ना, ट्राइंगल कैसा दिख रहा है, ये समोसे जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा था कि मान लो अगर मैं यहां कोण अर्धक खींचूं और यहां पे कोण अर्धक यानी एंगल बाइसेक्टर खींचूं, तो ये वाला कोण कितने अंश का बनता है, बोलो जल्दी, ये होता है 90 डिग्री प्लस सामने वाले कोण का आधा, याद है। चलो अब ये अगला इसका क्या होता है कि आप अगर त्रिभुज के अंदर केंद्र बनाओगे तो ये हो जाएगा अंतः केंद्र, लेकिन अगर इसी को आप बाहर बनाओगे तो ये बनेगा बहिर केंद्र, है ना। आपने इस भुजा को आगे बढ़ाया
इस भुजा को आगे बढ़ाया, यहां एक एंगल बनेगा, यहां एक एंगल बनेगा, इसका कोण अर्धक खींचोगे, इसका कोण अर्धक खींचोगे तो यहां केंद्र बनेगा। यह त्रिभुज के अंदर था, यह त्रिभुज के बाहर है। तो जब भी त्रिभुज के बाहर कोण बनेगा वो हमेशा बनेगा 90 डिग्री माइनस सामने वाले का आधा। अंदर बनेगा तो प्लस और बाहर बनेगा तो माइनस। लेकिन यह कब लगेगा? जब कोण अर्धक, कोण समद्विभाजक या एंगल बाइसेक्टर की बात हो। समझ में आ रहा है? अंदर होगा 90 प्लस, बाहर होगा 90 माइनस, याद रहेगा। तो अब पढ़ो जरा सवाल को ध्यान से। एबीसी में एबी और एसी को डी और ई तक बढ़ाया, हाँ या ना? ये हमने ई नाम दे दिया, डी और ई तक बढ़ाया। फिर बोल रहे हैं कि सी, सी बी और डी और बी सी ई पर समद्विभाजक खींचा, यानी एंगल बाइसेक्टर खींचा। तो आपने कोण अर्धक खींचा, इसने इस कोण को दो बराबर भागों में बांटा और ये जिस बिंदु पर मिले उसको इन्होंने ओ नाम दे दिया और इन्होंने कहा कि बी ओ सी कितना है? 63 है। तो बताओ ए का मान क्या है? तो हमें तो पता है ये वाला कोण 63 अंश का है। तो 90 माइनस सामने वाले कोण का आधा किसके बराबर है? 63 के। ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 90 में से 63 घटाओ 27, ये आ जाएगा 27। लेकिन ये इधर जाके क्या है? एंगल ए का आधा, 27 का दुगना बोलो 54 आया, ठीक है। 63 इधर आया, 27 बचा, 27 का दुगना, कोण ए की वैल्यू कितनी है? 54। बड़े आगे, समझ में आया? अगला पतंग बना दिया अपने, नहीं क्या समोसा बनाया? YouTube वालों पढ़ लो, तुम लोग क्यों रोते रहते हो? कोई रोने वाली इमोजी डाल रहा है, अब इनको क्या तकलीफ है? एक मिनट में देख लूं क्या, नेट नहीं चल रहा है मेरा, अरे इसलिए रो रहा है एक बच्चा। त्रिभुज एक्स वाई जेड में जी केंद्रक है, एक्स एल एक माध्यिका है जिसकी लंबाई 18 है, एक्स जी की, एक्स से जी तक की लंबाई बताना है। बहुत ही बेसिक सवाल है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। माध्यिका क्या होती है कौन बताएगा? माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। और अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को मिला दिया जाए तो जो बिंदु कहलाता है इसी को क्या बोलते हैं? केंद्रक, अभी बताया था। लेकिन सवाल यह कि माध्यिका क्या होती है? तो माध्यिका की एक खासियत होती है कि यह किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब बनाया जाए तो यह उसको क्या कर दे? समद्विभाजित कर दे, बाइसेक्ट कर दे, बराबर भागों में बांट दे, उसको बोलते हैं माध्यिका। ये लाइन भाई, ये ऐसा भी है, हो सकता है अगर मैं बोलूंगा कि इस त्रिभुज में माध्यिका खींचो तो माध्यिका हमेशा ऐसी नहीं खींची जाती। माध्यिका का नियम क्या है कि इस भुजा को वो आधा आधा बांटेगी तो वो यहां चली जाएगी, तो ये क्या करेगी? इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, इसको बोलते हैं माध्यिका, मीडियन, है ना। और माध्यिका से क्या बनता है? केंद्रक, सेंट्रॉइड। और केंद्रक हमेशा माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? 2:1 में। केंद्रक हमेशा माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? 2:1 में। अब मुझे बताओ पूरी माध्यिका की लंबाई कितनी है? 18, है ना, ये हो गया G, है ना, और पूरी माध्यिका की लंबाई कितनी है? 18। तो 18 को 2 और 1, इसके ऊपर 2 होता है, इसके नीचे 1 हिस्सा होता है, तो 2 और 1 3 का भाग दिया तो 1 बराबर कितना आ गया? 6। और अगर 1 बराबर 6 तो 6 का दुगना कर दो, एक से लेकर लंबाई कितनी आ जाएगी? 12। और नीचे की लंबाई कितनी आ जाएगी? 6। लेकिन उन्होंने पूछा है एक से जी तक, आंसर कितना आएगा? 12 आया। समझ गए? तो माध्यिका हमेशा किस अनुपात में बटी हुई रहती है? 2:1 में। यह मुद्दे की बात है। अगला सवाल, एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, एबीसी एसीडी के समद्विभाजक। डायग्राम बनाने की कोशिश करो, आपसे बन जाएगा।
हो गया। देखो डायग्राम बनाते हैं, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम है ए, ये है बी और ये है सी, है ना। ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया, ये डी आ गया। ए बी सी, ए बी सी और ए सी डी के समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं। समद्विभाजक मतलब वही वापस एंगल बाइसेक्टर, यहां से आप एक लाइन बनाओगे और यहां से आप एक लाइन बनाओगे और ये दोनों कहां मिलेंगे, ई पर। दोनों के एंगल बाइसेक्टर कहां मिले, ई पर। तो आपसे बोला है ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। दूसरी बात क्या बोली, बी ई सी 35 डिग्री है, बी ई सी ये वाला जो एंगल है ये कितने अंश का है, ये 35 का है। तो ए बी सी का मान बताइए, ए बी सी का मान बताना है, यानी ये वाला एंगल बताना है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब यहां पे एक थ्योरम आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूं क्या। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, सामने के कोण बराबर होंगे, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, हाँ या ना, ठीक है। अब एक नियम होता है कि अगर एक आधार मैंने बनाया, उस पे एक त्रिभुज खींचा और एक कोण अर्धक यहां से और एक कोण अर्धक यहां से और इसको मिलाया, तो हमेशा ये वाले कोण का आधा ये बनेगा, क्या होता है, आधा। अगर यहां 80 बनेगा तो यहां 40, यहां 100 तो यहां 50, यहां 70 तो यहां 35, तो यहां कितना है 35, इसका मतलब ये वाला कितना होगा 70। इसका हमेशा आधा भले कहीं भी बने, है ना। मान लो मैंने ऐसा बनाया कि ये आधार है, ये एक त्रिभुज है, मैं इसको बहुत दूर ले गया, ऐसे कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो ये वाला 70 है तो ये वाला क्या होगा 35, ये हमेशा आधा होता है। बात समझ में आई, तो ये वाला अगर 35 है तो ये वाला कितने का हो गया 70, कितना आएगा 110, और ये दोनों तो बराबर बराबर है तो 110 का आधा कर दो, ये वाला भी 55 और ये वाला भी 55, तो आंसर भी 55 आया, ठीक है। ये 35 तो ये 70, त्रिभुज के तीनों कोण 180, 180 में से 70 गया तो बचा 110, 110, और क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं तो 110 आधा आधा बढ़ जाएगा, 55-55 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। हो गया, हाँ देखो, एबीसी में एडी जो है ए का आंतरिक समद्विभाजक है, ठीक है। पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ये हमने ले लिया ए, ये ले लिया बी और ये ले लिया सी, है ना। एडी जो है ए का समद्विभाजक है, एंगल ए का आधा आधा करते हुए ये यहां पे जाके मिल जाएगा डी पर, और बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, बी से लेकर डी तक, B से लेकर D तक कितना है 3.6 है, और B से लेकर C तक कितना है, ये पूरा 8 है, है ना। तो 8 में से 3.6 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 4.4, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, AB और AC का अनुपात बताओ, AB और AC का अनुपात बताओ, यानी AB और AC का अनुपात बताना है।
इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा, समरूपता समझते हो आप लोग, सिमिलरिटी, हाथ उठाओ, कितने लोग समरूपता समझते हैं, सिमिलरिटी को समझते हैं? बस देखो, जब दो त्रिभुज, एक बड़ा हो और दूसरा भी बड़ा हो, यानी जब दो त्रिभुज एकदम सेम हो, कोई अंतर ही ना हो, तो उसे बोलते हैं सर्वांग समता। क्या बोलते हैं? सर्वांग समता, यानी कॉन्ग्रुएंसी। जब दो त्रिभुज एकदम बराबर हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, तो उसे बोलते हैं सर्वांग समता। लेकिन अच्छा, इसमें क्या होता है, इनकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, कोण सब बराबर, हर चीज बराबर होगी। लेकिन जब दो त्रिभुज में एक त्रिभुज बड़ा हो, एक त्रिभुज छोटा हो, लेकिन उनका रूप समान हो, ठीक है, जब दो ट्राइंगल्स का रूप समान हो, यानी उनका शेप सेम हो, आकार नहीं, साइज नहीं, शेप। मैं इसके लिए हमेशा सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं छोटे बच्चों का। जैसे अपने घर में जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये पापा पे गया है, बोलते हैं, ये क्या है, मम्मी पे गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो पापा के जैसा दिखता है, मम्मी के जैसा दिखता है, वो इतना सा है, ठीक है, लेकिन पापा इतने बड़े हैं, लेकिन आप दोनों की तुलना कर रहे हो कि पापा जैसा दिखता है, यानी रूप समान है, दिखने में समान है, लेकिन आकार अलग अलग है, है ना। तो ये छोटा सा बच्चा है, ये इसका पापा है, ठीक है, दोनों हम क्या बोलेंगे, पापा पे गया है, ठीक है। यानी इसमें ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, भुजाएं समान अनुपात में होगी, ठीक है, भुजाएं साइड्स रेशो सेम होगा, लेकिन कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो अब आप आ जाओ इस पे, तो जब ऐसी स्थिति बनती है कि भैया एक समद्विभाजक खींच दिया, एक ये कॉमन भुजा हो गई, इनके एक एक कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समरूप, सिमिलर। और अगर दो कोण समरूप हैं तो उनकी भुजाएं भी क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। बात समझ आ रही है, है ना। तो आप ये बताओ कि अगर ये 3.6 है, आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे ये ए बी है, ठीक है, तो ये क्या है, बी डी है, ए बी और बी डी, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका, ए सी, और ये क्या हो जाएगा आपका, डी सी, है ना। अब आप क्या करो कि ए बी आपको नहीं पता, ए सी आपको नहीं पता, तो बी डी को इधर ले जाओ और ए सी को इधर ले आओ, है ना। बी डी की लंबाई पता है क्या, 3.6, और डी सी की लंबाई पता है क्या, 4.4, दशमलव से दशमलव गया, दोनों 4 से कैंसिल हो सकते हैं क्या, 4 से कितनी बार, और 4 से कितनी बार, ये आपका आंसर आएगा 9.11। आया यहां पे हमने कौन सा सिद्धांत लगाया, समरूपता, सिमिलरिटी, कि जब दो त्रिभुज समान दो समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होगी, सेम रेशियो में होगी। तो जो अनुपात इन दोनों भुजाओं का है, वही अनुपात इन दोनों भुजाओं का भी होगा। क्लियर, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, मतलब समरूपता पर ही लगेगा, सिमिलरिटी पर ही चलेगा। YouTube वाले अलग ही मजे ले रहे हैं कमेंट में ना। कोई बोल रहा मैं मम्मी पे गया, कोई बोल रहा वो पापा पे गया। YouTube पे अलग ही समस्याएं चलती है। चल रहा ज्योमेट्री है, वो अपने अपने में ही लगे पड़े हैं। एबीसी में एबी और एसी क्रमशः डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि डी जो है बीसी के समानांतर है। देखो ये भी एक समरूपता का ही एक सिद्धांत है। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और आपने एक इस प्रकार से डीई एक रेखा खींची, और जैसे ही उन्होंने कहा कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के
समानांतर हैं, पैरेलल हैं, तो आप समझ लो कि एक ये त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा और बड़ा दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप, और समरूप हैं तो भुजाएं कैसी होंगी, समान अनुपात में होंगी। बस तो रखो वैल्यू जरा फटाफट, आपसे कहा है कि डी बी सी के समानांतर है, छोड़ो, ए से लेकर डी तक कितना है 3, फिर आपसे बोल रहे हैं बी से लेकर डी तक कितना है 6, फिर आपसे बोला ए से ई तक कितना है 2, और आपसे बोला सी से ई तक की लंबाई बताओ, तो 3 का दुगना 6, तो 2 का दुगना, आंसर समान अनुपात, समझे। अगला, एबीसी में एडी ए का समद्विभाजक है, एई लंब है बीसी पर, ये जो साइन है ये किसका है, परपेंडिकुलर लंब का, एंगल भी 60 डिग्री है, सी 40 है, तो ईएडी का मान बताइए, बताओ भाई जल्दी से, हाँ हो गया। देखो एबीसी में एडी ए का समद्विभाजक है, फिर से अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ए एंगल ए का समद्विभाजक है, ये वाले एंगल ए का समद्विभाजक है, यानी ये आ गए आपका डी, और समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया कि इसने इसको दो बराबर भागों में बांटा, और आगे बोल रहे हैं एई जो है बीसी पर लंब है, ए से लेकर ई तक जो है वो बीसी पर लंब है, तो मान लो ये भी यहां पे बनेगा, अब इसको थोड़ा मैं इधर बना लेता हूं, ये थोड़ा इधर खिसकना चाहिए था, चलो उसको ऐसा कर लेते अपन, इसको ऐसा लेते हैं अपन थोड़ा, है ना, एक ये वाला कोण है तो एक तो ऐसा लंब हो जाएगा यानी सीधा जाएगा, और एक क्या करेगा इन दो कोणों को बराबर बराबर बांटेगा, ठीक है, बराबर बराबर बांटेगा, तो मैं फिलहाल ऐसे ले लेता हूं क्योंकि वो दोनों बहुत क्लोज आएंगे, तो ऐसा ले लेते हैं ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये पहले मिला है ए डी, यानी ये डी हो गया, और ए से लेकर ई तक ये जो लंब है परपेंडिकुलर है, एंगल बी 60 डिग्री है, ये वाला कोण कितने अंश का है 60 का, और सी 40 है, ये वाला कोण कितने अंश का है 40 का, तो ई ए डी का मान बताना है, ई ए डी कहां दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना ई ए डी, यानी ये जो छोटा सा कोण बन रहा है इसका आंसर बताना है। अब कई लोग पता है कैसा दिमाग लगाएंगे, सर ये तो बहुत छोटा सा है, 10 ही आएगा और क्या आएगा, इतना सा तो कोण है 10 तो आएगा, तुक्का मारने वाले ऐसे सोचते हैं, है ना, और कई बार तुक्का सही भी बैठ जाता है। तो चलो देखो, अब आप यहां पे एक छोटी सी बात सोचो, एक आप बात मुझे बताओ, मैं जो बोलूं वो आप मुझे बताना, क्या ये एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये एक त्रिभुज है ना, अब ये एक त्रिभुज है, और मैं आपसे अगर पूछूं कि ये वाला पूरा कोण कितने अंश का है, पूरा ये 60 है, हाँ या ना, ये 40 है, तो ये कितना होगा, तीनों कोण 180 के होते हैं, 60 और 40 कितना हो गया 100, तो बचा कितना 80, ये वाला कितने अंश का होगा, 80 का होगा, हाँ या ना, तो आपको पता चल गया कि ये पूरा कितने का है 80 का। अब आपको ये भी पता है कि आपने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा है, समद्विभाजक खींचा है, तो 80 आधे आधे में बढ़ जाएगा क्या, इसका मतलब ये आधा कितना है 40, और इधर भी कितना है 40, चलो अच्छी बात। अब एक और बात बताओ, केवल ये जो मैंने त्रिभुज बनाया है इसमें बताना, आपको पता है कि लंब हमेशा कितने अंश का होता है 90 का, ये वाला कोण कितने अंश का है 60 का, तो ये कितने का होगा, तो 180 में से 90 और 60 गया तो कितना बचा 150 हो गया, तो बचा कितना 30। अब मुझे बताओ, क्या बताओगे कि ये पूरा कितने अंश का है, लेकिन ये कितने का है,
30 का, तो ये कितने का हुआ? मतलब तुक्का सही था, छोटा सा तो कोण था, और क्या बनता वहां पे? आया समझ में कि नहीं आया? रिपीट करूं एक बार, देखो थोड़ा सा डायग्राम और बड़ा बनाते हैं ना। ये देखो, वैसे ही एंगल बाइसेक्टर कहीं से कहीं तक हुआ नहीं, क्योंकि ये पूरे कोण को आधा आधा बांटेगा, लेकिन अपने को लंब भी खींचना है, इसलिए आप थोड़ा समझना, है ना। तो यहां पे क्या है, एक आपका छोटा ही बनाना पड़ेगा उसको, ये ऐसा बनाता हूं मैं ना, ऐसा ये अपने को ये इतना सा बताना है, 10 डिग्री बस आंसर में, ठीक है। अब क्या है, ये पूरा जो कोण है ये आधा आधा बटेगा, आप मुझे बताते जाना, ये अगर 60 है, ये अगर 40 है, तो क्या ये पूरा 80 होगा? हाँ या ना? और अगर ये पूरा 80 होगा तो ये यहां से यहां तक कितना होगा? ठीक है, यहां से हम इसको ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका? 40। और इसी प्रकार ये भी कितने का हो जाएगा आपका? ये पूरा कितने का हो जाएगा? 40 का। आप इसको दोनों तरफ से कहीं से भी प्रूव कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप चाहो तो ये वाला त्रिभुज ले लो, जैसे ये वाला त्रिभुज लेते हैं अपन, है ना, इस वाले में ये 90 है और ये वाला कितना है? 40 है। टोटल कितना होता है? 180। तो आपके पास 90 और 40 कितना हो गया? 130। तो बचा कितना? 50। तो आपको पता है कि ये पूरा टोटल कितने का है? टोटल ये यहां से यहां तक 50 है, ठीक है, जबकि यहां से यहां तक कितने का है? 40 का। तो ये कितने का हो जाएगा आपका? 10। 10 आंसर आएगा। आया? नेक्स्ट। हाँ, वो भी कर सकते हैं, इसकी एक ट्रिक भी होती है, मैं बताना भूल गया, अगर आपको ये वाला निकालना है तो इसकी एक ट्रिक होती है, अच्छा इन्होंने याद दिला दिया, आप दोनों के डिफरेंस का आधा भी कर सकते हो, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं समझाने के चक्कर में ये भूल गया, एक 60 है एक 40 है, इनका आधा कर दोगे आंसर आ जाएगा, ये इसका शॉर्टकट होता है, दोनों कोण के डिफरेंस का आधा ले लो, आंसर कितना आएगा? 10। ये भी कर सकते हो आप, सही है वो। क्या अगला? एबीसी में एडी माध्यिका है, तो चलो इसको ऐसे बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और एडी क्या है? माध्यिका है, है ना, माध्यिका इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, ये पता है हमें, ए से लेकर सी तक 6 है, ए से सी 6 है, बी से लेकर डी तक 2 है, और ए से लेकर डी तक का मान बताना है, अच्छा ए बी भी दिया है 5, ए से बी तक 5 है, ए से सी तक 6 है, बी से डी तक, और आपको पता है कि माध्यिका हमेशा मध्य बिंदु पे मिलती है, थोड़ा सा ये इधर बनना चाहिए था, और तो ये भी कितना होगा? 2 होगा, ये दोनों बराबर होते हैं, तो आपको माध्यिका की लंबाई बतानी है, कौन बताएगा क्या करेंगे यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय के लिए 90 अंश का होना जरूरी है, माध्यिका 90 अंश कहां बनाती है? लंब होता तो 90 बनता, भाई ये डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता है, माध्यिका ऐसी भी तो बन सकती है, तब कहां से 90 अंश लाओगे? तो पाइथागोरस प्रमेय तो यहां लगेगी नहीं, पाइथागोरस जी ने तो मना कर दिया, अब क्या करोगे? यहां पे एक प्रमेय लगती है जिसको हिंदी में बोलते हैं अपोलो नियम, इंग्लिश में भी इसको अपोलो नियम ही बोलते हैं, ठीक है, अपोलोनियम थ्योरम या अपोलोनियम प्रमेय, ये माध्यिका निकालने का एक सूत्र होता है, किसी को याद है अपोलोनियम जी ने क्या बता के गए थे? पहली बार सुना है, ये पढ़ा चुका हूं मैंने आपको, देखो
एक हो गया ए बी और एक हो गया ए सी, इन दोनों का वर्ग दुगना होता है। बी डी या डी सी में से कुछ एक ले लो तो आप बी डी ले लो, बी डी का वर्ग, और जो पूछा है माध्यिका ये ले लो ए डी का वर्ग। ये नियम इन्होंने बना के गए और इस नियम को क्या बोलते हैं, अपोलो नियम, अपोलो नियम थ्योरम, अपोलो नियम प्रमेय। क्या होता है ये, ए बी का वर्ग ए सी का वर्ग बी डी का वर्ग ए डी के वर्ग का दुगना, ये दोनों बराबर होता है। बोलो ए बी का वर्ग कितना है, पांच, तो पांच का वर्ग 25, ए सी कितना है 6, 6 का वर्ग 36, ट्वाइस ऑफ बी डी, बी डी यानी 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और ए डी का वर्ग यानी इसको ऐसे ही रहने दो, इनको जोड़ो जरा जल्दी से, क्या आएगा 61, तो ये आ गया आपका 61/2, 61/2, ये 2 यहां आ जाएगा, और इधर क्या है आपका 4 प्लस ए डी का वर्ग। अब ये 4 भी इधर आएगा तो मैं यहां लिख लेता हूं, 61/2 - 4, इसको हल करेंगे और वर्ग का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो देखो 4 का दुगना 8, इसमें से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 53/2 वर्गमूल में, ये आपकी माध्यिका की लंबाई है, ऑप्शन सी, सी इज द आंसर। आया समझ में, आया ना, पक्का, मजा तो नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मजा तो बहुत आ रहा है, भले समझ में कुछ नहीं आ रहा हो, है ना, समझ में आ रहा है कि मजा आ रहा है कि दोनों आ रहा है? वो तो बोलोगे ही तुम लोग, ठीक है, बढ़े आगे। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, पैटर्न भी चेंज हो गया, एडवांस मैथ्स दुखती नस विद्यार्थियों की, अगर आपको बाकी लोगों में आगे होना है ना, भीड़ का हिस्सा अगर नहीं बनना है, या आप चाहते हो कि मैं भीड़ से अलग हो जाऊं, तो आप काम भी तो भीड़ से अलग करना पड़ेगा उसके लिए, तो आप वो मत पढ़ो जो सबको आता है, या उस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस मत करो जो सबको आता है। अगर भीड़ से अलग होना है तो वो करो जिससे बाकी लोग भागते हैं, भाई प्रतिशत आएगा, लाभ हानि आएगा, तुम सब करके आ जाओगे, लेकिन एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री इनमें जो है सबके हाथ टिक जाते हैं। तो सक्सेस कौन होता है, जो ये नहीं छाटता कि ये नहीं करूंगा और मैं तो यही करूंगा, सक्सेस वो होता है जो क्या सोच के निकलता है कि मैं तो सब करूंगा, सब सीखूंगा, वो सक्सेस होता है। क्योंकि आपकी शिफ्ट में किस चैप्टर से कौन से प्रश्न आ जाएं ये आपको भी नहीं पता, है ना, और ऊपर वाला जो है वो हमेशा, भाई आप देखो आपके साथ वाले को नहीं पता कि आपकी वीकनेस क्या है, पढ़ाने वाले को नहीं पता कि आपकी वीकनेस क्या है, किसी को नहीं पता कि आपको क्या अच्छा आता है क्या बुरा आता है सिवाय आपके और ऊपर वाले के, है ना, आपको पता है, आप बताओगे भले नहीं किसी को, लेकिन ऊपर वाला पेपर बनाने वाले को बोलेगा कि इसके पेपर में ज्योमेट्री के 4 सवाल ज्यादा ही देना, है ना, ये भागता था उससे, इसको जो है ठोकर खिलानी है, तो फिर तुम बोलोगे अरे यार शिट यही नहीं पढ़ा था और वही आ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता एग्जाम में, आप जब भी जो चीज नहीं पढ़ के जाते हो या आप सोचते हो कि हे भगवान बस ये मत आना, तो भगवान बोलते हैं ये तो जरूर आएगा, है ना, तो इसलिए भागो मत, आप उसको पढ़ो, और आप एक चीज देखना कि जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार इसमें, और आप इस प्रकार के सालोगे, एक दो बार रिविजन कर लोगे, बन जाएगा, है ना, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको घिसाना तो पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए आपको सब चीजें करनी पड़ेगी, है ना, और आप तो सोचो कि आपको कितना पका पकाया मिल रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, जैसे ये क्लास तैयार हुई, अब इस आज जो ये क्लास है ना, इसकी तैयारी 1 हफ्ते से चल रही है, कितने हफ्ते से, 1 हफ्ते से हमारी कंटेंट की टीम। अब आपको क्या लगता है, सर खड़े होके पढ़ाने ही तो इसमें क्या रखा है, आप आ जाओ किसी दिन यहाँ पे, ठीक है, आपको अगर बोलेंगे ना 3 घंटे पढ़ाना है, तो इस 3 घंटे के लिए इनडायरेक्टली टीचर के अलावा कितने लोग मेहनत करते होंगे, आप सोचो भाई, अगर 40-50 क्वेश्चंस निकाले तो पहले हमारी टीम ये देखती है, अब 50 क्वेश्चन छाटने मान लो, तो वो ऐसे क्वेश्चन लेना है जो आजकल ज्यादा आ रहे हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सोचिए कि आपका ये सब काम बच रहा है। आप अगर केवल क्लास अटेंड कर लेते हो तो 1 हफ्ते में आप जितना पढ़ोगे वो आपको 3 घंटे में मिल रहा है, निचोड़ मिल रहा है,
क्योंकि जो क्लास के लिए क्वेश्चंस निकालते हैं, कंटेंट बनाते हैं, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं। विनर्स में टीचर्स हों या कंटेंट में काम करने वाले लोग हों या जो भी हो, वो सब किसी ना किसी एग्जाम को निकाले हुए लोग हैं, तो उनका अनुभव होता है, उस आधार पर वो प्रश्न निकालते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपने 100 या 150 प्रश्न, मतलब आप देखो शुरुआत होती है 300 प्रश्नों से, वो पहले 300 प्रश्न खुद निकालते हैं, उन 300 में से वो खुद अपने अनुभव के आधार पे कि नहीं ये तो बहुत आसान है, नहीं ये तो पहले आता था, ये आजकल आएगा, ये आने वाले टाइम में आएगा, क्योंकि जो पेपर दे रहा है, जिसने पेपर निकाला है वही समझेगा। तो वो अपने 150 क्वेश्चन निकाल के सबमिट करता है अपने एचओडी को। किसको? एचओडी को, जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है। अब वो उससे ज्यादा अनुभवी, फिर वो उस 150 में से छांटता है कि नहीं इन 150 में से भी ये 50 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ाना ही पढ़ाना है। फिर वो 50 पूरे तैयार होते हैं, उनकी टाइपिंग होती है, ये होता है, तो ये काम एक हफ्ते में होता है। ठीक है, फिर जब ये मेरे पास आता है, फिर इसके बाद मैं अपना काम और उसमें करता हूँ, फिर मैं इसमें और छाटबीन करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार ये मेंस के 2-4 ये सवाल, तो फिर मैं अपनी तरफ से और कुछ सवाल हटा के कुछ और जोड़ता हूँ। अब आपको पता है इस क्लास की तैयारी मैंने आज सुबह 5:30 बजे से उठ के करी है। कितने बजे से? आप मेरी आंखों से थोड़ा अंदाजा लगा सको तो मैं 5:30 बजे से इसकी आज तैयारी कर रहा हूँ। 5:30 बजे क्यों उठा? क्योंकि कल दिन भर संडे का पूरा शेड्यूल बिजी था, कल पुस्तक आपको पता ना पंचायती राज का वो था, फिर शाम को यूट्यूब पे भी 9:30 बजे क्लास थी। अब मैंने सोचा कि यार अगर देर रात को जाग लिए तो दिक्कत है, तो सुबह जल्दी उठ के काम करेंगे। तो मैं 10 बजे सोने जा रहा था, और जैसे ही 10 बजे सोने जा रहा था, ठीक है, बहुत दिनों बाद ऐसा पहली बार हुआ कि 10 बजे मैं सोने जा रहा था। क्यों? ताकि सुबह 5 बजे उठ के आपकी क्लास तैयार कर लेंगे। तो 5 बजे का अलार्म भर गया और इतने में CGL का नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो फिर मैं 10:30 बजे रात को लाइव था, और आपने देखा होगा कई लोग कि 11 बजे तक जो है उस CGL नोटिफिकेशन की जानकारी दी, तो 11:30 बजे में सोया। लेकिन फंस कहाँ गए? क्लास की तैयारी तो करनी है, क्वेश्चंस को तो सेट करना है, तो सुबह 5:30 बजे उठा, फिर 8 बजे तक इसकी तैयारी करी, फिर थोड़ी नींद आई तो मैं 15 मिनट वापस सो गया। ठीक है, 8:15 से 8:15 सोया, फिर 8:15 बजे वापस उठ गया, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस और सारी चीज़ें अब 9 बजे तुम्हारे हाथ में यहाँ पे सामने। तो पढ़ाना जो होता है, देखो एक होता है बस यूं ही पढ़ाना, खड़े हो गए पढ़ा दिया, ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं निकलती, सारे प्रश्न अलग अलग टाइप के, भाई अब ज्योमेट्री है तो कोण वाले क्वेश्चंस भी लेना है, त्रिभुज भी लेना है, चक्री चतुर्भुज भी लेना है, वृत्त भी लेना है, सब चीजें कवर करना है, सारे टाइप्स लेना है। तो मैं आपको अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, अपनी टीम की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो चीज सीखने में आपको 8 दिन 10 दिन में जितना सीखोगे, आपको वो 3 घंटे की क्लास में निचोड़ मिल रहा है उसका। समझ में आया? कि अगर 300 प्रश्न लगाओगे तो उन 300 प्रश्नों में जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इतने सारे फिल्टर होने के बाद ये 50 प्रश्न तुम्हारे सामने आए हैं। तो अगर आपने 50 प्रश्न 40 प्रश्न ईमानदारी से लगा लिए, मतलब आपने 300 प्रश्न लगा लिए, ये आपको समझना है, क्योंकि कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं होती है। और अगर मैं और हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है तो तुमको तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए भाई। पढ़ाने वाला पता चल रहा है तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, और अभी भी हमारा शेड्यूल यहाँ खत्म नहीं होगा, 12 बजे तक तुम्हारी क्लास लेंगे, फिर 12 बजे के बाद दूसरे काम रहते हैं, फिर ऑफिस में जाएंगे, है ना, खाना वाना खा के, फिर वहाँ पे हमारी मीटिंग्स होंगी, तो कुछ दूसरे काम होंगे, तो कोई मटेरियल, तो बुक का देखना, तो ये देखना, फिर 8-9 बजे तक वहाँ चलेगा, फिर सुबह की क्लास की तैयारी करेंगे। तो हमारा दिन ऐसे ही चलता है ना, इसलिए कभी टीचर मत बनना, ठीक है। और टीचर बनो अगर, क्या होता है, दिखता बहुत अच्छा है, टीचर का प्रोफेशन बहुत बढ़िया दिखता है कि यार सर के तो बड़े मजे हैं, है ना। आप एक आध दिन मेरे साथ रहना, आप बोलोगे सब कर लेंगे, बस ये नहीं करना है, है ना? टीचर नहीं बनना, या तो आपको ना ऐसे ढलना पड़ेगा, है ना, आपको सारी दुनियादारी सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ, मतलब जैसे आर्मी मिलिट्री नहीं होता 24 घंटे ड्यूटी पर, बस वही टीचर का प्रोफेशन है। बस हमारे हाथ में बंदूक नहीं है, ये पेन है, लेकिन वो भी ऑन ड्यूटी रहते हैं, हम भी हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं। तो इसलिए दिखता बहुत आसान है हर चीज़, लेकिन जब आप उस लाइन में उतरते हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। कहीं पर पहुँचने के लिए या उससे आगे बढ़ने के लिए या वहां बने रहने के लिए, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आज से 10-12 साल पहले भी हम इतनी मेहनत करते थे, उस समय हमारा टारगेट क्या था, सरकारी नौकरी लेना है। तो यही जुनून 10-12 साल पहले भी था, इसी शिद्दत से पढ़ाई करी, 10-12 जॉब्स ले ली, सरकारी नौकरियां निकाल ली,
छोड़ दिया आज इस लाइन में, लेकिन आज भी वो जोश, आज भी वो मेहनत बरकरार है, इसलिए आज थोड़ा एक ठीक ठाक नाम है, थोड़े कुछ लोग पहचानते हैं और आगे चल के इंडिया लेवल पे और बड़ा नाम करेंगे। क्योंकि भरोसा किस बात पे है? क्योंकि भरोसा किस चीज पे है? अपनी मेहनत पे, कि अपन पीछे नहीं हटेंगे। समझ में आया? तो आप आज स्टूडेंट हो, अपना बेस्ट दो, जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, तब जाके आप कहीं पहुंचोगे। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर अपनी क्लास एक बजे तक, दो बज जाएगी। हाँ जी, इसका आंसर कौन सा कंसेप्ट लगाओगे ये बता दो तुम तो मुझे। समरूपता। अरे जहां तुम्हें ये दिख जाए, मैंने अभी क्या बोला था कि जहां पे आपको ये ऐसा त्रिभुज और ये दो भुजाएं समानांतर दिख जाए, मतलब समझ जाओ कि यहां समरूपता लगेगा, ये समरूपता का चिन्ह है, सिमिलरिटी। तो दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, यानी उनकी भुजाएं कैसी होंगी? समान अनुपात में होंगी, सिमिलर होंगी, है ना। तो आपको क्या करना है, ये वाली भुजा इसके ये भुजा और ये एक दूसरे के समान अनुपात में, ये दोनों एक दूसरे के समान अनुपात में, तो ये होगा x बटे x माइनस दो, और उधर क्या हो जाएगा x प्लस दो और x माइनस वन। जो अनुपात इन दोनों भुजाओं का है वही अनुपात इन दोनों भुजाओं का होगा, और वही अनुपात इन दोनों भुजाओं का भी होगा, लेकिन इनकी चर्चा यहां पर नहीं करी तो हमने इन दोनों को छोड़ दिया। समझ में आया? सेम रेशो होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है भैया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग है, या ना। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये कट जाएगा क्या, और माइनस से माइनस भी कट जाएगा क्या, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बस हो गया, यही पूछा था क्या। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अरे यार YouTube वालों के कमेंट पढ़ना भूल गए। ये पेन बंदूक से बढ़कर है। चलो एक बार जरा YouTube वाले सब लोग बताओ कैसा लग रहा है तुम लोगों को, टिकोगे तुम लोग आने वाले डेढ़ घंटे और? 40 सवाल कम से कम करेंगे, करोगे तुम लोग, साथ दोगे? ठीक है, हो गया। कितने लोग आप में से ट्रिपलेट जानते हो? ट्रिपलेट, ठीक है। कितने लोगों ने आज जीवन में पहली बार इसका नाम सुना है? ठीक है, कितने लोगों ने सुना है लेकिन याद नहीं है? तो नहीं, नहीं सुना ही हुआ ना, ये तो सुन के भी क्या कर लिया तुमने। देखो ट्रिपलेट, अच्छा ट्रिपलेट कौन से त्रिभुज में लगता है? समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट लगता है। ट्रिपलेट इज अ पाइथागोरस थ्योरम, सेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हम ऐसा बोल सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पांच हो, यहां बारह हो, यहां तेरह हो, तो क्या ये पांच बारह तेरह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगा? है ना भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, क्या ये दोनों का योग 169 आ रहा है? तो जिन तीन संख्याओं, अगर तीन संख्याएं पाइथागोरस प्रमेय में सेट हो रही हैं, तो उन्हें बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी थ्री, है ना। तो ये तीनों एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं, तो ऐसे पांच बारह तेरह होता है, आठ पंद्रह सत्रह, आठ पंद्रह सत्रह भी एक ट्रिपलेट है ना। इसके अलावा
20, 21, 29, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, मैं आगे बताऊंगा। तो अब यहां ये क्यों मुझे याद आया, क्योंकि पहले तो मुझे दिख गया समकोण त्रिभुज, और उसके अलावा मुझे क्या दिख गया, 5 और 12, तो समझ में आ गया कि यहां पे ट्रिपलेट लगेगा, समझे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी है, ये हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया। अब इसमें समकोण क्या है, समकोण बनाने वाली भुजाएं, यानी एक भुजा 5 है, एक 12 है, समझ में आ रहा है। समकोण बनाने वाली भुजाएं मतलब ये दोनों भुजाएं जो समकोण बनाएगी, अगर ये 5 है ये 12 है तो बताओ ये क्या आएगा, 13 आएगा, समझ गए। या पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, उससे सेटिस्फाई हो जाएगा। अब बोला है एबीसी के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या। आंतरिक वृत्त क्या होता है, जब किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त बने तो उसे क्या बोलते हैं, अंतः वृत्त, इन सर्कल, और उसकी त्रिज्या कहलाती है अंतः त्रिज्या, इन रेडियस, जिसको किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल आर से। अगर त्रिभुज के अंदर वृत्त बने तो अंतः वृत्त, स्मॉल आर अंतः त्रिज्या, और अगर त्रिभुज के बाहर वृत्त बने तो बाह्य त्रिज्या, है ना, इसको कैपिटल आर से बताते हैं, है ना। ये होगा कैपिटल आर, और अंदर बनेगा तो स्मॉल आर, ये वाला प्रश्न भी आएगा भी आगे। अब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के अंदर वृत्त बने और उस वृत्त की त्रिज्या निकालने का एक सूत्र होता है, और वो होता है कि बोलो, ये होता है लंब और आधार को जोड़कर अगर उसमें से कर्ण घटा दिया जाए और आधा कर दें तो यह आता है। देखो लंब कितना है, 12, 12 और 5 17, 17 में से 13 गया 4, और 4 का आधा कितना हो जाएगा, ये है इसकी त्रिज्या, समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपसे ये तो पूछ नहीं सकता कि आपसे क्यों नहीं बना, आपको देखो ये टेंशन नहीं लेना है कि आपसे प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको आज क्या मेन उद्देश्य रखना है कि समझ में आया कि नहीं आया, सीख कर जाना है, है ना। और आप आज की इस क्लास का बस एक बार रिवीजन कर लेना, आप अपने आप को बहुत बेटर पोजीशन पे देखोगे पहले के कंपैरिजन में। हाँ, वो होता है आपका समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। देखो दो चीजें होती है, अगर समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उसके अंदर अगर वृत्त बन रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है a/√3, ठीक है, और अगर बाहर वृत्त बन रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है a/√3, समबाहु त्रिभुज में, है ना। और अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में अगर अंदर बन रहा है तो लंब आधार माइनस कर्ण बटे दो, और अगर समकोण त्रिभुज में बाहर वृत्त बन रहा है तो इसका फॉर्मूला कौन बताएगा, कर्ण का आधा। अगर बाहर वृत्त बन रहा है तो उस केस में जो त्रिज्या होती है वो होती है कर्ण का आधा, तो कर्ण का आधा कर दो, हाइपोटेन्यूस का हाफ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बताओ इसका आंसर। हो गया, एबीसी में डी और ई, एबी और एसी पर बिंदु है, डीई समानांतर है बीसी के, बीसी 8 सेंटीमीटर है। देखो डायग्राम बनाओ, पहले आपसे बोला एबीसी, तो ये हमने बना लिया एक ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। डीई जो है तो ये बना लिया मैंने डी और ई, और डीई एबी और एसी पर बिंदु है, डीई और बीसी समानांतर है। अब मुझे बताओ ये आ गया मतलब क्या लगेगा, ये आ गया तो क्या लगेगा, समरूपता। लेकिन यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, बीसी 8 सेंटीमीटर है, डीई 5 सेंटीमीटर है, बीसी कितना है, बीसी कितना है 8, और डीई कितना है 5, हाँ या ना। फिर आगे बोल रहे हैं ए डी ई का क्षेत्रफल 45 है तो एबीसी का क्षेत्रफल बताओ। देखो कभी भी ध्यान रखना, जब भी क्षेत्रफल की बात आती है, जैसे एक त्रिभुज कौन सा हो गया, बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, तो बड़ा वाला त्रिभुज है एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और छोटा वाला त्रिभुज ले लो ए डी ई,
तो याद रखना जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो, आपको ये तो पता चल गया कि यहां पे समरूपता लगेगा, सिमिलरिटी लगेगा, हाँ या ना? अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ रेशो, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल की जब बात होगी तो भुजा का वर्ग करना पड़ेगा। तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समान अनुपात में होंगी, तो एबीसी की कौन सी भुजा लेंगे 8 और एडीई की कौन सी भुजा लेंगे 5। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। बात समझ आ रही है ना? तो यहां 8 का वर्ग लिख दो, बोलो क्या आएगा 64, और नीचे क्या आएगा 25। और आपको किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखो एडी का क्षेत्रफल कितना है 45, तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 45, हाँ या ना? चलो अब मुझे बताओ, 5 से कैंसिल होगा 9 बार, 5 से कैंसिल होगा 5 बार, अब ये 9 इधर चला जाएगा, तो बस इसको सॉल्व करके आंसर बता दो आप। 64 में 9 का गुणा होके 5 का भाग देना है 115.2, ठीक है। जय भारत माता, हमको कुछ नहीं आता। ये यार YouTube, हाँ YouTube पे जो बच्चे देखना चाहते हैं ऑफलाइन वाले बच्चों को, तो उनकी फोटो टेलीग्राम पे डली है, वो देख सकते हैं ना। आप लोग मत देखना भी, तुम लोग पढ़ो। हाँ समझ में आया? अरे आंसर क्या आ रहा है? 115.2 आ रहा है। मान लूं, आपके ऊपर भरोसा कर लूं? चलो आ जाओ आगे। YouTube वाले क्लास को लाइक नहीं करते ना, बहुत गंदे बच्चे हैं। 90 डिग्री आएगा ए बी सी, गलत जवाब। कहां से 90 डिग्री हो जाएगा यार, ए बी सी पूछा है, कुछ भी मतलब पूछा ही नहीं था हमने ऊपर का। हाँ जी, देखो फिर एक नियम होता है, नियम यह होता है कि अगर किसी वृत्त में, यह क्या है इसका नाम बोलो, इसको बोलते हैं व्यास, इंग्लिश में डायमीटर, और व्यास से कभी भी आप अगर कोण बनाओगे ना तो हमेशा 90 बनता है। व्यास हमेशा 90 अंश बनाता है, राइट एंगल ट्राइंगल डायमीटर जो है हमेशा 90 बनाता है। क्लियर है बात? अब इन्होंने एक बात और बोल दी कि एबी और एसी बराबर है, एबी और एसी क्या है, बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे क्या? त्रिभुज के तीनों कोण होगा 180, 180 में से 90 गया तो बचा कितना 90, 90 का आधा, ये भी 45 और ये भी 45, हाँ या ना? आंसर 45। अगला सवाल, हाँ आया आंसर 8। देखो एक चीज आप समझना, चाहे त्रिभुज ऐसा हो, अगर उन्होंने बोला कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी क्या होंगे दोनों त्रिभुज, समरूप होंगे, है ना? अब इमेजिन करो कि मैं इसको घुमा दूं, अगर मैं इसको घुमा दूं तो ये ऐसा बनेगा, ये वाली भुजा इसके समानांतर होगी, तब भी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और इमेजिन करो कि अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं और अगर ये वाली भुजा अभी भी इसके समरूप है, तब भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, मतलब समानांतर होंगे, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। तो त्रिभुज ऐसा हो या ऐसा हो,
अगर दो भुजाएं समानांतर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। और अगर सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी, है ना? तो भुजाएं कैसी होंगी? समान अनुपात में। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये बताओ सब लोग मुझे कि ओ से लेकर सी तक और ओ से लेकर बी तक क्या ये बराबर है? क्यों बराबर है? क्योंकि ये व्यास है, डायमीटर है, और ये केंद्र है, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, मतलब ये बराबर बराबर है, है ना? दूसरा, इन्होंने बोला कि OD लंब है AB पर, O से D तक लंब बनाया AB पर, तो और जब भी आप केंद्र से, एक नियम होता है कि जब भी आप किसी वृत्त में किसी जीवा पर केंद्र से लंब डालोगे तो वो उसको क्या करता है? बराबर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है? बराबर है, हाँ या ना? लेकिन ऐसा मत सोचना कि ये दोनों भी बराबर है। मैं समझ रहा हूं कई लोग बोलने वाले, सर हाँ ये भी बराबर है, सर चार है तो आंसर क्या आ जाएगा? चार आ जाएगा। गलत, ठीक है? आप यहां पे ये समझो, अगर ये एक है तो ये एक है, हाँ या ना? अगर ये एक है तो ये एक है, लेकिन ये अगर एक है तो ये दो होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो आप समझो, अगर इस त्रिभुज में ये एक है तो ये पूरा कितना है? दो। अगर ये एक है तो ये पूरा कितना है? दो। तो अगर ये एक है तो ये पूरा कितना होगा? दो। यानी ये अगर चार है तो ये क्या होगा? आठ। आंसर आएगा आठ। आया समझ में? कितने लोग चार वाले थे? सही सही बताओ, चार आंसर आया था मन में? कितने लोग आंसर चार आया था? कसम खिलाऊंगा फिर मैं, मम्मी पापा की नहीं खिलवाऊंगा इस बार, ठीक है? बड़े आगे नहीं बताओगे? अच्छा, कितने लोग आंसर आठ आया था? तुम दो हाथ क्यों उठा रहे हो ऐसे? चार और चार है ना, आया था मतलब चार आया था, नहीं आया था। अगला सवाल, कितने लोग चक्रीय चतुर्भुज जानते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कितने लोग नहीं जानते ये किस बला का नाम है? और जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं उठाया, या तो तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है उठाने में, या फिर वही वाले हो, सुना है पर याद नहीं है, है ना? देखो, किसी भी वृत्त के अंदर जब जब चतुर्भुज बने तो उस चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? चक्रीय। वृत्त के अंदर बनने वाले चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन यहां उन्होंने कौन सा चतुर्भुज बोला? समलंब। और समलंब क्या होता है? ये समलंब चतुर्भुज होता है, ट्रेपेजियम इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप बेसिकली समलंब चतुर्भुज को वृत्त के अंदर कर रहे हो, है ना? तो समलंब चक्री चतुर्भुज हो गया। अच्छा, इस चक्री चतुर्भुज की खास बात क्या होती है? आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। अच्छा, एक बात और बताओ, एक बात मुझे और बताना, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। फिर मैंने मान लो ऐसी एक लाइन खींच दी, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण में क्या संबंध होता है? इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं और एक तिर्यक रेखा इस तरीके से गुजर जाए तो ये दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अब एक बात बताओ, कहीं भी नाम दे दो, चलो इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया, इसको डी नाम दिया, ठीक है? समझना ध्यान से, यूं आंसर आना इसका। फिर बोल रहे हैं एडी और बीसी, एडी नाम अपन ने गलत दे दिया यार, है ना? नाम गलत दे दिया अपन ने, एक मिनट रुको। देखो, इसको नाम ऐसे देना पड़ेगा कि इसको नाम देंगे ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तब जाके AD और BC एक दूसरे के समानांतर होगा। क्लियर?
अब बोल रहे हैं एबीसी 70 है, एबीसी यानी ये वाला कोण कितने अंश का है, 70 का है, और बीसीडी का बताओ, बीसीडी यानी ये वाला कोण आपको बताना है, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बता दो जल्दी से कि अगर ये 70 है तो ये 110 होगा क्या, हाँ या ना। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 होते हैं, तो अगर ये 70 है तो 110 होगा, और अगर ये 110 है तो ये 70 होगा क्या, ये वाला नियम देखो, ये दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है तो इनका योग कितना होगा 180, तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, ये आंसर है आपका। नहीं आया समझ में, आया हाँ या ना तो बोलो, आया पक्का, थक गए यार तुम लोग, नहीं थके इधर सब लोग यही हैं मानसिक रूप से, बड़े आगे आवाज तक नहीं निकल रही तुम लोगों की। चलो भैया फाइनली, हाँ बिल्कुल सही, 30 का दुगना 60। अब प्रश्न पढ़ लें, कई लोगों ने देखा तो 30 30 का दुगना 60, सर 60 लगाओ फिर पढ़ेंगे प्रश्न बन, तो है ना, तो सही है आपका। यहाँ पे लॉजिक क्या होता है कि अगर ये देखो, ये आपने पूछा था ना एक प्रश्न, वो अब ये है, वो ये देखो एक वृत्त के अंदर त्रिभुज है, तो अगर वृत्त के अंदर इस प्रकार का त्रिभुज है तो केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का हमेशा क्या होता है, दुगना, तो अगर ये 30 है तो ये क्या बनेगा 60, यही पूछा है ना, प्रश्न पढ़ भी लें अपन एक बार और, ए ओ बी, हाँ यही पूछा है, 60 आएगा आंसर, ठीक है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं है ना, अगले संडे नहीं पढ़ाऊंगा, हालांकि अब मैं तुमको ही कैंसिल कर देंगे अपन, अब क्या तुम लोग थक तो जाते हो, कहां 3 घंटे पढ़ोगे, एक कुछ लोग तो ऐसे मायूस ऐसे दिख रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, मतलब वो ऐसे ऐसे देख रहे हैं, एक प्रश्न होता है 10:52, फिर एक होगा 10:59 हुआ है ना, फंस तो गए, आ तो गए, अब जा तो सकते नहीं, चले जाएंगे सर को बुरा लग जाएगा, और स्माइल ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको बड़ा मजा आ रहा हो, है ना, ऐसा करते ना कई बार अपन लोग कि ऐसा दिखाओ कि हाँ सर, नहीं सर बढ़िया समझ में आ रहा है, हाँ, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि मुझे ना चेहरा पढ़ते आता है ना, आप कुछ भी करो, आप कितना भी झूठ बोल लो, कैसा भी चेहरा बना लो, मैं बता दूंगा आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है अगला सवाल, अब कुछ लोग जानबूझ के स्माइल कर रहे हैं, मैंने कहा ना मत बनो तुम, कुछ लोग इधर दिखा रहे हैं कि नहीं सर हमको मजा आ रहा है, ये देखो ये चल दिए दोनों, अच्छा पानी पीने जा रहे हो, कितने लोगों को वास्तव में अच्छा लग रहा है, हाथ उठाओ जरा, थैंक यू थैंक यू, बड़प्पन है आपका कि जो आप इतने अच्छे से भी झूठ बोल रहे हो। कितने लोग ऐसा लग रहा है सर गलती हो गई आज आके, बेचारा सही बोल रहा था पर देखा कोई नहीं है तो तुरंत ऐसा कर लिया। कई लोग बताए कैसे हाथ उठाते हैं ऑफलाइन क्लास में, मैंने कई बार देखा है, जैसे मैंने बोला कितने लोगों को लगता है कि वो आके फंस गए, तो वो देखते हैं कोई नहीं है, ऐसे जाके और हाथ ऐसा कर लेते हैं, ये सर मैं तो बाल ठीक कर रहा था। तो एक लड़का है जो बेचारा बोल रहा है फंस गया, तुमको जाना तो नहीं है, जा भी नहीं सकते तुम अब, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है क्या, ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है यार, ऐसे ही अच्छा लगने का तो दूसरे कारण होते हैं, बस ऐसे ही सर मन नहीं लग रहा आज। चलो अगला सवाल, लोग यार तरसते हैं कि ऑफलाइन पढ़ने को मिल जाए, देखो बेचारे कहां कहां बैठे हुए हैं, भारत के कौन कौन से गांव में राज्य में कहां बैठे हैं, और वो पढ़ने के लिए तरस रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो सर आप सामने हो लेकिन मन नहीं लग रहा है। सर ऑफलाइन क्लास में विनोद है क्या, कोई विनोद है क्या, नहीं है भैया विनोद नहीं देख रहा है। हाँ जी, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, ओ ए बी 30 डिग्री है, सी वृत्त पर कोई बिंदु है, तो ए सी बी का मान बताइए। थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है, बड़ा कर देते हैं थोड़ा और,
अभी ठीक है। तो चलो इसको फिर भी थोड़ा सही कर देते हैं। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन, ये एक और बाकी तो वृत्त है। आप एक बात बताओ, ओ ए बी 30 है, एक बात बताओ अगर ये वाला कोण 30 है तो क्या ये वाला भी 30 होगा? क्यों होगा? हाँ तो बोल दिया। ओ से लेकर ए तक क्या ये त्रिज्या है? तो ओ से बी तक भी क्या है? त्रिज्या है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और अगर भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तो ये 30 है, ये 30 है, तो क्या ये 120 होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 60 गया तो बचा कितना? 120। पूछा क्या है? ए सी बी, अब बताओ ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 240, 60 होगा, क्योंकि ये दुगना होता है, ये दुगना नहीं होता, तो यहां अगर 60 होगा तभी तो 120 होगा, तो आंसर कितना आएगा? 60। आ गया समझ में? आगे बढ़ो। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा BOC इस वृत्त का एक व्यास है, BCA 30 डिग्री है, CDA क्या होगा? फिर एक और नया कंसेप्ट, क्या पूछा है? CDA, CDA, ठीक है। एक बात सुनो पहले, क्या आपको एक कंसेप्ट पता है? ये बताओ ये क्या है? अरे व्यास कहां से आ गया बाबू भैया जैसी बात कर रहे हो तुम। ये व्यास होता है, ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं? जीवा, कॉर्ड, इंग्लिश में कॉर्ड, हिंदी में जीवा। अगर इस जीवा से मैं यहां पे कोई कोण बनाऊं और इस जीवा से अगर यहां कोई कोण बनाऊं या मेरी मर्जी जहां बनाऊं वो सब बराबर बनते हैं। सब कैसे बनते हैं? बराबर। किसी एक जीवा से आप कहीं भी कोण बनाइए वो सारे बनेंगे बराबर। आप चाहो तो इसको घुमा लो, ये ऐसे में भी काम करेगा। मान लो एक यहां है, मैंने एक कोण यहां बनाया, एक कोण यहां बनाया, ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। किससे बनाए मैंने? इससे। समझ में आया कंसेप्ट? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला 30 है तो ये वाला कितना? तुम लोगों को मुर्गा बनाने की इच्छा हो रही है अब? अरे अभी तुम लोगों को नहीं बताया था कि यह व्यास हमेशा क्या बनाता है? व्यास से क्या बनता है? तो ये क्या दिख रहा है? ये व्यास ही तो है। ये क्या है? डायमीटर, व्यास। और व्यास से क्या बनता है? 90 बनता है। तो अगर ये 90 है, ये 30 है, तो बोलो ये कितना? इधर आओ मुर्गा बनो तुम, ऑनलाइन मुर्गा बना दूंगा सबके सामने, यूट्यूब पे घर वाले भी देखेंगे। हाँ कितने का बनेगा ये? ये 30 का है, ये 90 का है, तो ये कितने का बनेगा? 60। कैसे? तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 90 और 30, 120 गया तो 60 बचा ना। और अगर ये वाला 60 है तो ये वाला कितने का? अरे ये भी 60 का ही बनेगा, यही तो है, ये 60 है तो ये भी 60 का होगा ना। ये दोनों कोण बराबर होंगे। कैसे? इस वाले से। एसी जीवा है, इससे एक कोण तुमने यहां बनाया और इससे एक कोण तुमने यहां बनाया, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए 60। बढ़िया था सर, मजा आया, समझ में आया? ये 30 है तो ये 90, हाँ या ना? और अगर ये 90 ये 30 तो ये 60। और इस जीवा से देखो ना, इसकी नजरों से देखो तो ये एक कोण है और ये एक कोण है, तो इस जीवा से जितने भी कोण बनाओगे वो हमेशा बराबर बनेंगे। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितने का बनेगा? 60। आया? पक्का? किसी को जाना हो तो वो जा सकता है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, है ना? नहीं झेलते बन रहा हो तो जा सकते हो। कई लोगों के चेहरे पे दिख रहा है कि उनको अपने
घर पे जो कपड़े डुबा के आए थे उसकी चिंता है ना सर, 12 बजे तक जाना है, वो कपड़े डुबा के आए हम, धोना भी आज कपड़े ना, आज मेंटेनेंस डे होता है ना, कुछ लोग आज नहाते भी होंगे है ना, सोमवार से शनिवार तो बिजी रहते हो, तो कुछ लोग आज नियम होगा कि हर संडे, सर मैं हर संडे नहाता हूँ, कुछ लोग आज नहाएंगे, कुछ लोग का आज ऐसा दिन होगा कि महीने का आज वो दिन होगा जिस दिन आज साफ सफाई करनी है ना, तो कई लोगों के दिमाग में तो यही चल रहा है। एबीसीडी चक्री चतुर्भुज है जिसका व्यास ए बी है, विकर्ण ए सी बी डी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, डीबीसी 35 है, ए डी एस एस सी सी जी एल मेन्स का सवाल है भाई, देखो मेन्स लेवल प्रश्न, बताओ आंसर। कितना? 9। चलो बता दूं, एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है जिसका व्यास ए बी है। देखो ये हमने एक वृत्त ले लिया है ना, इन्होंने बोला कि व्यास ए बी है, अरे यार ये लाल कलर कहां से आ रहा है बार बार, ये क्या है, अरे ये क्या है, व्यास है, दिख रहा है, और आपको एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, तो ये हमने बना दिया ए बी सी डी, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, और विकर्ण ए सी बी डी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक विकर्ण है ए सी, ये विकर्ण हो गया ऐसे, ये विकर्ण हो गया डायगोनल, और ये दोनों किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ई पर, और बोल रहे हैं कि डीबीसी, डीबीसी यानी ये वाला कोण कितने अंश का है, 35 का है, तो बोल रहे हैं एईडी बताओ, एईडी यानी ये वाला कोण बताओ, बताओ, और जब मैं बताऊंगा ना तो आप बोलोगे सर इतना आसान, 35 ही होगा, बोलो, बता दूं, देखो अब मैं आपसे जो पूछूं उसका आंसर मुझे देना, मुझे एक बात बताओ तुम्हारा दिमाग ये क्यों नहीं चलता कि उन्होंने ये व्यास बोला है, हाँ या ना, तो व्यास कौन सा कोण बनाएगा, ये 90 अंश होगा, हाँ या ना, ठीक है, और अब भी तुम लोगों को बताया था कि अगर एक जीवा है और उससे अगर इस प्रकार के दो कोण बनेंगे तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, तो अगर इस डीसी जीवा से देखो, इससे एक कोण इधर बन रहा है, इससे एक कोण इधर बन रहा है, अगर ये 35 है तो ये वाला कितना होगा, हाँ या ना, तो ये 35 तो ये 35 और ये व्यास तो ये 90, तो आपको त्रिभुज के तीन कोण में से एक 90 पता चल गया, एक आपको 35 पता चल गया, अब यही तो बताना है, अब तो कोई भी बता देगा, कुछ नया बताया आपको मैंने इसमें, सब वही था, यहां से देखना था कि भैया ये 35, इससे देखा तो ये भी 35, दोनों 35 35, और व्यास से बन रहा है 90, तो ये 90 ये 35, तो ये वाला कितना, 55, 180 में से घटा दो, आया समझ में, इसलिए मैंने कहा देखने का नजरिया आपका सही करना है आपको, हाँ बोलो जल्दी,
90% लोग इसका आंसर गलत देते हैं। अब मैंने बोल दिया है तो शायद तुम सही कर दो, नहीं तो तुम बहुत जल्दी भावनाओं में बह के यहां गलती करते। क्या है? अब मैंने बोल दिया 90% लोग गलत करते हैं, तुमने सॉल्व भी करना बंद कर दिया है ना। देखो ये 112 है तो ये क्या होगा? अब मैं बता रहा हूं तुमने क्या करा, तुमने इसका आधा करके देख लिया है ना, इसका आधा करा 56 ऑप्शन में है नहीं, 112 का दुगना करके देख लिया 224 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए तुम बैठ गए चुपचाप, यही करा। अच्छा कुछ लोगों ने क्या करा, 180 में से घटा के भी देख लिया, मतलब जो जो हो सकता है सब करके देख लिया, दुगने से बात बन नहीं रही, आधे से बात बन नहीं रही, 180 में से 112 घटा रहे, 68 आ तो रहा है ना, यही आंसर होगा। चलो अब सीखो क्या करना है, आप एक छोटा सा काम करो, इसको ऐसा बनाओ और मुझे बताओ कि ये क्या है, और कुछ मत देखो, जो मैंने लाल रंग से बनाया है ये क्या है? चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? अरे गधों, बराबर नहीं होते, 180 होते, कुछ भी, ये 112 है तो ये क्या होगा? 68 होगा, आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, चक्री चतुर्भुज पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अब मुझे बताओ केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का क्या होता है? दुगना, तो 68 का दुगना करो 100, यही तो आएगा ना, यही आंसर है क्या ऑप्शन में? ये है, क्या पूछा है? अच्छा ओए भी पूछा है, ठीक है ओए भी निकाल लेते हैं अपन। तो ओ ए बी, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये वाला कोण बताना है। अब अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो 180 में से 136 गया, कितना बचा? 44, और 44 का आधा कर दो तो ये भी 22, ये भी 22, तो आंसर भी 22, सही बताया था, ठीक है। कितने लोगों का आंसर यही आया था, समझ में आया? ये 112 है तो सामने 68, सामने 68 तो ये 136, और ये 136 तो इन दोनों का योग 44, तो ये दोनों आधे आधे होंगे। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है, कि आया ही नहीं दिमाग में ये? नहीं आया तो छोड़ो, नहीं आया तो अच्छी बात है, अब आया सर, अभी तक नहीं आया था, अभी आया। क्या होता है देखो, आप ऐसे समझो कि ये क्या है, एक व्यास, एक जीवा है ना। अब जीवा के ये दो, ये बताओ ये क्या है, इसको बोलते हैं वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्तखंड, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड मेजर, और इसको बोलते हैं माइनर। तो ये नियम हमेशा मेजर में लगता है, बड़े वृत्त खंड में लगता है। भाई अगर आप इसको आधार लेकर चल रहे हो है ना, ये है, तो ये नियम बड़े वृत्त खंड में लगेगा। तो अगर इधर कोई कोण है तो यहां उसका ये थीटा है तो ये 2θ होगा, लेकिन ये नियम नीचे नहीं लगेगा है ना, लघु वृत्त खंड में ये नियम नहीं लगता, समझ में आया? एक ही तरह भाई, केंद्र इधर है, केंद्र इधर है कि केंद्र यहां है? केंद्र यहां है, तो अगर केंद्र यहां है तो परिधि पर बनने वाला कोण भी यहां से यहां कहीं भी बनेगा, चलेगा। नहीं आया समझ में? एक सेकेंड रुको, बस ये क्या है जीवा, केंद्र कहां है? यहां है ना। अब मान लो मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये वाला कोण 30 डिग्री, तो ये वाला कितना?
ये 30 तो ये क्या, पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन सेम। पंद्रह होगा। कंसेप्ट पकड़ो, डायग्राम पे मत जाओ। एक छोटी सी बात समझो, ये केंद्र है और ये परिधि पे कोण बन रहा है, हाँ या ना? सोचो इसकी मैं चोंच पकड़ के इसको इधर कर दूं, सोचो इसको पकड़ के इधर बना दूं तो ऐसा नहीं बनेगा, है ना? तो ये बात वही है, केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना। तो अगर यहां 30 है तो यहां 15, या यहां 15 तो यहां 30, बात वही है, समझे? तो वो चीज यहां है भाई, आप समझो। और इसको और गहराई में जाना है तो इसको बोलते हैं लघु चाप, दीर्घ चाप, ठीक है? मेजर आर्क और माइनर आर्क, है ना? लघु नहीं, दीर्घ बोलेंगे। बड़ा ये होता है दीर्घ चाप और ये होता है माइनर चाप, यानी लघु चाप। तो आप हमेशा, आप इस चोंच को यहां से यहां पकड़ के कहीं भी रख दो, नियम लगेगा, लेकिन यहां नहीं रख सकते, यहां नियम नहीं लगेगा। इससे ज्यादा गहराई में नहीं चलते हैं। अगला सवाल, मैं आपको इसमें नियम बता देता हूं। इसका एक सूत्र होता है, जब इस प्रकार से और दो इस प्रकार की अगर रेखाएं हैं, जीवाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसका नियम होता है PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD। अगर किसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को इस तरीके से काट रही हैं, तो PA गुणा PB, PC गुणा PD ये एक दूसरे के बराबर होती हैं। जल्दी से हल करिए, अब वैल्यू रख के आपको आंसर बताना है। देखो ऑफलाइन वालों की बुराई चल रही है यूट्यूब पे, तुम लोग ना इज्जत कम करवा रहे हो मेरी। मजाक उड़ा रहे हैं ऑफलाइन वालों, समझ लो तुम लोग। हाँ जी, यहां पर आप एक चीज समझिए, वैल्यू रखिए। सबसे पहले P से लेकर A तक जाओ, तो P से लेकर AB, उन्होंने देखो AB बोला है 15 और PB बोला है 9, ये पूरा 15 है तो ये 9 है तो ये 6 होगा, है ना? और C से लेकर P तक कितना है, 3 है, तो P से लेकर D तक कितना होगा ये पता लगाना है, बस वैल्यू रख दो। तो 9 × 6 = 54 बराबर 3 × x, 3 से कैंसिल कर दो, 18, ये आंसर आ गया। नियम पता होना था बस, नहीं आए समझ में? अरे इन दोनों का गुणा बराबर इन दोनों का गुणा, तो 9 और 6 = 54 में 3 का भाग दे दो, 18 आंसर आ जाएगा। अगला, इसमें भी बता देता हूं मैं क्या करेंगे। इसका नियम बड़ा सिंपल होता है, ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा का योग इसके और इसके बराबर होता है। मतलब क्या है, एक क्या भुजा है AB और सामने क्या है CD, AB और CD का योग AD और CB के बराबर होता है, AB प्लस CD का योग AD प्लस CB के बराबर होता है। आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है अगर किसी वृत्त के चारों ओर इस तरीके से हम चतुर्भुज बनाते हैं तो, या चतुर्भुज के अंदर वृत्त हो तो यह नियम लगता है। तो क्या है भैया, AB कितना है, 10 है, AB कितना है 10 है, और CD कितना है, C से लेकर D तक कितना है 7, A से लेकर D तक कितना है, A से लेकर D तक ये कितना है 4, है ना? और A से लेकर S तक, अच्छा इसको दो टुकड़े में दे दिया उन्होंने, ये 5 है, तो B से लेकर C तक क्या होगा बोलो, 10 और 7 = 17 बराबर होगा इन दोनों के, तो 10 और 7 = 17 में से 5 और 4 = 9 गया, कितना बचा, बस ये आंसर है। नहीं आया समझ में, आ गया ना? अरे इन दोनों का योग इनके बराबर, तो 10 और 7 अगर 17 है तो 5 और 4 = 9 है, 9 में क्या जोड़े कि 17 आ जाए, 8।
अगला, देखें एम एबीसी का परिकेंद्र है। देखो परिकेंद्र अगर आपने सुना मतलब वृत्त के अंदर जब त्रिभुज बने, ठीक है, वृत्त के अंदर त्रिभुज बने और ये केंद्र हो तो ये होती है आर, ये भी होती है आर, है ना। वृत्त के अंदर त्रिभुज बने तो परिकेंद्र की स्थिति बनती है जिसकी परित्रिज्या 15 है। मान लीजिए कि बीसी 14 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक बिंदु है M, है ना, और परिकेंद्र है। इसके अलावा बोला है BC कितना है, 24 है, BC 24 है, M से लेकर L तक BC पर लंब है, M से L तक BC पे लंब है, तो इसको आधा आधा बांटेगा। तो अगर BC 24 है तो ये आधा आधा हो जाएगा, यानी 12 12 हो जाएगा, है ना। और आपसे अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर मैं इससे मिला दूं तो ये त्रिज्या है क्या, ये रेडियस होगी क्या, और रेडियस कितनी है, 15, है ना। तो अगर ये 15 है, ये 12 है, तो बताओ ये क्या होगा, 9, क्या होगा, 9 12 15 एक ट्रिपलेट होता है, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, 15 का वर्ग 225, 12 का वर्ग 144, तो बचेगा 81, और 81 किसका वर्ग है, 9, तो ये आ जाएगा 9, यानी M से लेके L तक की लंबाई कितनी है, 9, ठीक है। आगे क्या बोला है, बस यही पूछा है ना, ठीक। अगला सवाल समझ में आया, इसको परिगत या परिवृत्त एक ही बात है ना, परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, परिगत वृत्त या परिवृत्त एक ही बात है। देखो समकोण त्रिभुज बोला है तो आप समकोण त्रिभुज ले लो, ये कंसेप्ट मैं आपको आज बता चुका हूं, अभी जो मैं बताने वाला हूं ना ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो दो भुजाएं हैं, एक 20 एक 21 है, अगर मान लो ये 20 है तो ये क्या होगी, 21, और इस त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या, देखो परिवृत्त क्या होता है, जब किसी त्रिभुज के बाहर वृत्त बने या किसी वृत्त के अंदर त्रिभुज हो, है ना, तो ये हो गया परिवृत्त। तो आपको पता लगाना है इसकी त्रिज्या, यानी ये बराबर बराबर बटी हुई होगी। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 20 है ये 21 है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 20 21 29 एक ट्रिपलेट होता है ना, या फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, 21 का वर्ग 441, 20 का वर्ग 400, जोड़ोगे 841, और 841 किसका स्क्वायर होता है, 29, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 29 होगा। और आपको अगर इसकी त्रिज्या बतानी है तो 29 का क्या करोगे, आधा, तो 29 का आधा कर दोगे, क्या आएगा, 14.5, याद आया। इसको बोलेंगे परित्रिज्या, सर्कम रेडियस या आउटर रेडियस, है ना, क्योंकि वृत्त के बाहर मतलब त्रिभुज के बाहर एक बहुत गंदा सा वृत्त मैंने बनाया है, ये उसकी त्रिज्या है, ठीक है, वृत्त भी बोलना गलत होगा यहां पे, इसको समझ में आ गया, भावनाओं को समझना है आपको बस। अगला, अब जैसे क्या होता है, ट्रिपलेट बताओ ना दिमाग चलता है, जैसे 5 है 13 है तो तुरंत दिमाग चलेगा भैया 12 आएगा यहां पे, लेकिन आंसर 12 हो ऐसा नहीं है ना, कुछ लोग ढूंढेंगे 12 तो है ही नहीं, जरूरत पड़ सकती है लेकिन 12 हो नहीं हो ये कंफर्म नहीं है। सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, देखो मैं बहुत अच्छा डायग्राम बनाता हूं इस बार अच्छे से वृत्त बनाएंगे अपन,
सकेंद्री वृत्त का मतलब कोई बता सकता है? जब दोनों का केंद्र एक ही हो, एक ही केंद्र पे दो वृत्त बने हुए हो, है ना। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब यहां पे क्या है, एक जीवा बनानी है जो एक को स्पर्श करते हुए गुजरे। ये ऐसे बनेगा, है ना। जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या है 13 और छोटे वाले की क्या है 12, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक ये त्रिज्या होगी क्या? तो ये कितनी है 13, यहां से यहां तक कितनी होगी? ये छोटे वाले की त्रिज्या हुई ना, तो ये अगर 5 है, ये 13 है, तो ये क्या होगी? और अगर ये 12 है तो ये क्या होगी? तो ये पूरी क्या हो जाएगी? ये आंसर है, आया है ना। क्योंकि ये जो ये एक जीवा है इस वृत्त के लिए, लेकिन इसके लिए ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, उसको टच करते हुए वो गुजर रही है। आया समझ में? अगला, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ भाई देखो YouTube पर भी कितने जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं बच्चे, क्या हालचाल है YouTube वालों के, मजा आ रहा है तुम्हें? वीडियो रहेगा भाई, वीडियो रहेगा YouTube पे वाला। हाँ जी देखें, ये केंद्र है, इसको यहां से यहां तक मिला दो, इसको यहां से यहां तक मिला दो, ठीक है, और फिर देखो क्या खेल होता है। अब आप केवल यहां देखना, अपन एक काम करते हैं, डायग्राम को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं तो मुझे दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ये हो गया केंद्र, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, ये क्या है कोई बता सकता है? त्रिज्या है ना, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, रेडियस। चलो तो आपसे बोला है इसकी त्रिज्या 29 है, यानी ये भी 29 है और ये भी 29 है, हाँ या ना, ठीक है। फिर बोल रहे हैं लंब है, तो लंब तो हमेशा सम विभाजित करता है, ये आपको पता है, इतना तो अब आप सीख ही गए। ए से बी तक 40 है, ए से बी तक 40 है, यानी ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, और क्या दिया हुआ है, सी से लेकर डी तक 42 है, यानी ये भी 21 होगा, ये भी 21 होगा। जस्ट हमने अभी किया था कि 20, 21 और 29 क्या है, ट्रिपलेट है। अगर समकोण त्रिभुज है तो 20, 21, 29 का नियम लगेगा, हाँ या ना। चलो तो मुझे बताओ, अगर यहां 20 है, यहां 29 है, तो यहां क्या आएगा, और यहां 21 है, यहां 29 है, तो यहां क्या आएगा? तो यहां से यहां तक 21 और यहां से यहां तक 20, तो ये पूरा कितना हो गया, आंसर 41। आया समझ में? आया हाँ या ना, ठीक है। 20, 29 तो ये 21, 21, 29 तो ये 20, तो टोटल कितना हो गया, 41। चलो बस अंतिम 8 सवाल, उसके बाद छुट्टी, ठीक है। खुशी की लहर दौड़ गई एकदम, है चलो 8 और झेलने हैं बस। इस मामले में ना YouTube अच्छा रहता है, जब तक इच्छा हो देखो, नहीं तो भाग जाओ। ऑफलाइन में समस्या रहती है, ऑफलाइन में फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। फायदा यह है कि अब जबरदस्ती देखना ही पड़ेगा तो कुछ दिमाग में चला जाएगा, ऑनलाइन में कि निकल लो, हर सिक्के के दो पहलू। बता दूं, समान त्रिज्या ए बी एक दूसरे को काटते हैं, ए बी 10 है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे, ये एक वृत्त हो गया, समान त्रिज्या है, यानी दोनों सर्कल कैसे हैं, सेम है, ये दूसरा हो गया, ठीक है,
ऐसे एक दूसरे को ये काट रहे हैं, और इनके बीच में ये एक लाइन हम खींच देंगे, तो ये क्या हो गई आपकी रेखा ए बी हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये इसका केंद्र तो ये इसका केंद्र है ना, इसको इससे मिला देंगे, अगर इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक ये क्या है, त्रिज्या, रेडियस। इसी प्रकार यहां से यहां तक क्या है, त्रिज्या है, तो दोनों की त्रिज्या क्या है 13, ये 13 तो ये 13। अच्छा अब ये पूरा कितना है 10, तो आधा आधा बटता है ये, तो ये कितना हो जाएगा 5। अगर ये 5 है ये 13 है तो बोलो कितना 12, और ये 12 तो ये भी 12, और 12 12, एक बार और, ये 5 है ये 13 है तो ये 12, ये 12 तो ये 12, अंतर 24। देखो फिर से, तुमने तो बोला, एक बार और देखो क्या होता है, ये इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन जीवा को क्या बोलते हैं यार, कॉर्ड, नाम ही याद नहीं आ रहा। ये हो गई आपकी उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कॉर्ड, है ना, ये दोनों के लिए जीवा का काम कर रही है, कॉर्ड का काम कर रही है। तो जब आप केंद्र से इसको मिलाते हो ना, तो ये हमेशा आधी आधी में बटती है, ठीक है। तो अगर ये पूरा 10 था तो ये आधा हो गया 5, और ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, और यहां से यहां तक क्या है 13 है, त्रिज्या है ये, तो अगर ये 5 है ये 13 है तो ये क्या होगा 12, और अगर ये 12 तो ये 12, आंसर 24। यही तो बोला था मैंने, आया अगला। कौन सा कंसेप्ट लगेगा, पीए पीबी पीसी पीडी, देखो ये एक आपका बिंदु है, इससे आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची, इसको P बोल दो, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C और इसको D। तो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि PA और PB का गुणा किसके बराबर होता है, PC और PD के, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना, बस यही कंसेप्ट यहां पे लगेगा। आप चाहो तो इनका नाम बदल दो, अपने घर की बात है, किसी को पता भी नहीं चलने देंगे अपन। देखो PA PB हो गया, और ये आपका क्या हो गया, PC और PD हो गया, यही नियम अपन ने यहां लगा दिया। आपसे क्या पूछा था, AB, ये A था ठीक है, और ये क्या हो गया, देखना पड़ेगा पहले क्या था, ठीक है, ये PD हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था, AB, यानी ये आपको पता लगाना है, समझ तो गए ना कंसेप्ट क्या है। चलो तो मुझे बताओ क्या करेंगे यहां पे, आपको यहां से देखो एक लेना है इतना, तो ये कितना है 6, और एक लेते हैं पूरा, पूरा कितना है 17 है ना। मान लो ये P है, तो P गुणा A और P गुणा B, तो पहले 6 फिर 6 और 11 ऐसे ही नीचे करेंगे, तो पहले कितना लेंगे 4, और फिर क्या लेंगे 4 प्लस X पूरा, आया समझ में सभी को। चलो तो ये हो गया आपका 17 गुणा 6, बोलो 102, मैं 4 का भाग देने से बेटर रहेगा, ऐसा कर लो, 4 और 4 16, और 4 और X कितना हो गया 4X। चलो 102 में से 16 घटाओ 86 को 4 से भाग दे दो, बोलो 4 दुनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 21.5 आया ना, ये आ गया, आया समझ में, आया। अगला
यहां पे मैंने स्पर्श रेखा बोल दिया, ये छेदक रेखा है ना, भावनाओं को तो आप समझ ही जाते हो। कोई बोल रहा है सर स्पर्श रेखा नहीं बोली है, निकल जाता है यार कभी कभी। एक बच्चा बिहार से देख रहा है, वो बोल रहा है सर हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम ऑफलाइन में बैठे हैं। कोई बोल रहा है सर यूट्यूब वाले भी भागते नहीं है, पढ़ने वाले टिके रहते हैं। बोलो त्रिभुज एबीसी में अंकित एक वृत्त, यानी आपको त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाना है, ऐसे ही होगा क्या? त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाना है तो ये अपन ने बना लिया है ना। ठीक है, नामकरण कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कहां कहां टच कर रहा है? ए बी पर टच करेगा तो डी बोलेंगे, ए सी पर टच करेगा तो ई बोलेंगे, और ए सी पे बी सी पे हो गया ई, और ए सी पे हो जाएगा एफ, है ना। तो आपसे बोला है ए बी 18 है, ये पूरा कितना है? 18 है। फिर ये बोला है बी सी कितना है? 15 है, और ये कितना है आपका? 13 है। तो आपसे बोला है ए डी, ए डी मतलब यहां से यहां तक, इसका आधा हो जाएगा क्या? फिर बोला है बी, इसका आधा, इस पूरे का आधा हो जाएगा, और फिर बोला है सी एफ मतलब इस पूरे का आधा हो जाएगा। तो कुल मिला के तीनों को जोड़ के आधा कर दो, है ना। तो 18 प्लस 15 कितना हो गया? 33, 33, 33 और 13 46, और 46 का हाफ, बस डायग्राम बन जाता तो हो जाता। ठीक है, समझ में आया? कुछ लोग कहेंगे सर सब समझ में आ रहा, आप तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो अब फटाफट 40 तक पहुंचाओ, सब समझ में आ रहा है अब तो। एबीसी में पी बीसी पर स्थित है, बीपी और पीसी का रेशो 4:3 है, क्यू बीपी का मध्य बिंदु है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीक्यू और ट्राइंगल एसीक्यू एसीबी का आपको अनुपात बताना है। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। एबीसी में पी बीसी पर स्थित ऐसे है, तो थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज लेते हैं, ये हो गया पी बी सी पर ऐसे स्थिति के बी से लेकर पी तक, ये ए ये बी और ये सी, और इधर 4 है इधर 3 है, मान लो ये हो गया आपका कितना, ये पी है, तो यहां से यहां तक अगर 4 है तो यहां से यहां तक कितना होगा? 3, यही बोल रहे हैं। और क्यू बी पी का मध्य बिंदु है, क्यू जो है बी से लेकर पी तक का मध्य बिंदु है। यार ये पूरा 4 था तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और इसको क्या बोलेंगे? क्यू, इसको बढ़ा देता हूं, है ना, समझे। यहां से यहां तक 4, तो यहां से यहां तक 3, और बी से लेकर क्यू तक ये मध्य बिंदु है, तो ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, अब बोला है ए बी क्यू, ए बी क्यू इसको इससे मिला देते हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, और बोल रहे हैं ए सी बी, ए सी और बी, यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है। समझ में आया? एक तो पूरा फुल ट्राइंगल हो जाएगा, और एक केवल ये इतना सा, ये छोटा वाला त्रिभुज, इसका लेना है। तो इसका नियम बड़ा सिंपल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। मुझे बताओ पूरे बड़े वाले त्रिभुज का आधार कितना है? पूरे बड़े त्रिभुज का आधार कितना है? 7, और छोटे त्रिभुज का आधार कितना है? तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात भी यही होगा, 2:7। मुस्कुराहट बहुत कुछ बोल रही है तुम्हारी, है ना। आया आंसर समझ में? आधार के अनुपात में ही त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। आगे बढ़ रहे हैं अपन, जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। अगला सवाल, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर दे सकते हो, अगर आपने आज जितना पढ़ाया उतना भी ढंग से पढ़ा हो तो।
छह ही आएगा? क्यों आएगा? देखो, एक नियम होता है कि अगर एक एक वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, अच्छा एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? दो, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते आप। तो एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, जो कि बहुत बेकार खींची है, ऐसे ले लो, और एक ये हो जाएगी, हाँ या ना? और कभी भी याद रखना, ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, बराबर, टेंजेंट, दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी भाई, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या होगा, बराबर। अब ये आपका केंद्र है ना, तो इन्होंने इसको इस तरीके से लिया है कि इसको वो ऐसे मिला रहे हैं, ठीक है, केंद्र तो साइड रह गया आपका। अब मुझे बताओ कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो अगर ये वाला 60 है तो ये दोनों 120, यानी ये भी 60-60, तो ये तो तीनों कोण बराबर हो गए, तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ठीक है। तो क्या पूछा था आपसे, ए बी, तो ए बी कितना होगा, 6 आया कि नहीं आया, आया ना भाई, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये वाली भुजा और आपकी ये वाली भुजा बराबर होगी, तो अगर ये 60 है तो ये दोनों भी 60-60, और ये बन गया समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं बराबर, तो अगर ये 6 है तो सब 6-6 होगा। अगला, ओके दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 24 है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? हाँ, डायग्राम बनाऊं? एक 5 वाला है, ये एक वृत्त हो गया, एक 3 वाला है, तो इसको यहां बना लेते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ ट्रांसवर्स, मतलब वो ऐसे जाएगी, ये इसकी लंबाई आपको बतानी है, मतलब यहां से यहां तक, ठीक है। ये केंद्र हो गया तो ये कितना हो गया, 5, ये इसका केंद्र हो गया तो ये कितना हो गया, 3, है ना। और इसमें एक चीज की और जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस, यानी डी, ठीक है। और नाम दे दो, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, तो बताओ ए बी की लंबाई क्या होगी, इन्होंने और कुछ बोला है, उनके बीच की दूरी 24 है, अरे ये दे तो दिया तुम्हें, ये 24 है, कितना है, 24 है। बोलो, किसी को फॉर्मूला याद है? ऐसा कुछ होता है क्या सर, आप जो बता दोगे हम तो वही मान लेंगे, सही है? माइनस आएगा कहां पे, R1 R2 के बीच में, पक्का कि प्लस आएगा, पक्का करके देखो, इससे अगर आंसर आ गया तो सही है। माइनस तो उसमें आता है ना, जब ऐसे होते हैं, ऐसे वाली स्थिति में उसमें माइनस आता है। करो जल्दी सॉल्व फास्ट, अरे रख लोगे कि मैं ही बताऊं करके, 24 का वर्ग बोलो, 576 है ना, और R1 और R2, तो R1 कितना है, 5, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, और ये दोनों को जोड़ के घटा दो तो 25 और 9 कितना हो गया, ये मैंने गलत लिख दिया क्या, 576, और ये कितना हो गया आपका, 34, 34 को घटाओ बोलो कितना आ रहा है, 42। माइनस होगा क्या, मैं कंफ्यूज हो गया, एक मिनट, R1 प्लस R2 का स्क्वायर 64, नहीं आता तो प्लस है यार,
एक मिनट, R1 R2 का स्क्वायर आएगा क्या? R1 R2 5 3 8, 8 का वर्ग 64 है ना, 64 अगर जाए, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यही सही है। R1 R2 नहीं आएगा, R1 plus R2 का होल स्क्वायर आएगा, इनका होल स्क्वायर आएगा। तो ये 64 हो गया, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1, और ये आपका रह जाएगा केवल 5, ये आ गया 512। 512 किसी का वर्ग होता है क्या? नहीं होता। 512 को हम तोड़ सकते हैं 256 का दुगना, 256 किसी का वर्ग होता है क्या? 16 का, तो 16 बाहर निकल जाएगा, रूट टू अंदर रह जाएगा, सी आंसर आएगा, 16√2, ये सही है। R1 और R2 का स्क्वायर नहीं होगा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो जब ऐसा दिया रहे तो उसका तरीका रहेगा A से लेकर B तक, इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ट्रांसवर्स। वो भी एक सवाल आ ही रहा है अभी, वो भी एक है, आया समझ में? ये फॉर्मूला याद रखने वाला खेल है। अगला सवाल, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे ही आंसर देना है। दो वृत्त एक दूसरे को वाय रूप से स्पर्श करते हैं, तो वृत्त पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या है? कितना जल्दी रहती है तुम लोगों को। दो वृत्त एक दूसरे को वाय रूप से स्पर्श करते हैं, वृत्त पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या है? बस यही तुम परीक्षा में भी करना, पहले गलत बोलना फिर उसको सुधारना। क्या ये स्पर्श रेखा है? है? क्या ये स्पर्श रेखा है? क्या ये स्पर्श रेखा है? तो कौन बताएगा ये वाली कितनी हो गई? 3 आंसर आएगा ना, समझ गए? 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो। सेकेंड लास्ट सवाल, आहा ये अच्छा, ऑनलाइन वाले आगे हैं ऑफलाइन वालों से, देख लो तुम लोग, है ना? नहीं नहीं ये उनके हैं। ये उनके कमेंट में वचन है, मेरे कोई शब्द नहीं है। सर आप कितना मीठा मीठा बोलते हैं, आपकी आवाज सुन के लगता है मिठाई खा ली। जहां तक सड़कें नहीं पहुंची वहां तक आपने शिक्षा पहुंचा दी, क्या बात, ये अच्छा था। सर खाना मैंने खा लिया और पढ़ाओ। तेजस्वी लोग बोलते हैं अपन इनको। एक बोल रहा, एक कोई बोल रही है अक्षिता, ऑफलाइन वाले भी हमारे जैसे, मन को बहुत तसल्ली हुई। अब जान में जान आई। बहुत कमेंट है यार, कहां तक पढ़ेंगे इन लोग। चलो क्या बोल रहे हैं, दो वृत्त हैं उनके केंद्र की दूरी है स्पर्श बिंदुओं के बीच साधारण उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का। देखो क्या होगा, अब एक वृत्त यहां है और एक वृत्त यहां है, साधारण उभयनिष्ठ मतलब ये होगी, ठीक है? इसकी लंबाई आपको निकालना है, तो इसको डी नाम दे देते हैं, इसको ए बी नाम दे देते हैं, और एक ये है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 7। एक छुटकू वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 2। और इनके केंद्र की बीच की दूरी, ये नहीं मतलब है ना, ये होगी, तो ये हो जाएगी कितनी? 13। तो इसको अपन नाम दे देते हैं 13। तो अब इसका फॉर्मूला बताओ, देखो सेम रहेगा, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और अंडर, बस इतना सा फर्क है, मान रखो। आंसर बताओ, आ गया? अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, D का वर्ग 169,
सात में से दो गया पांच, पांच का वर्ग 25, और इसको घटाया तो कितना आया 144, किसका वर्ग है 12 का। ये आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत? सेकेंड लास्ट सवाल, एक और है, 41 है, उसके आगे भी हो सकते हैं अभी, है ना। ये आखिरी सवाल नहीं है। ओ बहुत बुरा हुआ है तो। हाँ अभी देखो ना, 58 है यार, यहां लिखा तो है, 10 सवाल बचे हैं अभी, कहां जाओगे इतना जल्दी। अभी तो कितना, 12:15 हुआ है, वैसे भी आपको 12 बजे तक का तो बोला था ना। बस तो बैठे रहो, एक बजे छुट्टी कर देंगे आपकी। कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? समोसा मांगोगे तो इसको आखिरी कर देंगे अपन। चलो चलो सवाल करो, 10 सवाल बचे हैं, तुम ही लेट होने वाले हो। मैं नाश्ता करके आया हूं, मेरी चिंता मत करो। चलो देखें, बिंदु P और Q क्रमशः ABC, ABBC पर स्थित है, B पर समकोण है। इसका मतलब पहले तो अपने को पता चल गया कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। इसका नाम B है तो इसको A दे दो, इसको C दे दो, ठीक है भैया। और क्या बोल रहे हैं, P और Q ABC भुजा AB और BC पर स्थित है, तो यहां कहीं पे क्या होगा, एक P होगा, और यहां कहीं पे क्या होगा, एक Q होगा, है ना। और क्या बोल रहे हैं, AQ, A से लेकर Q तक, इसको इससे मिला दो। और क्या बोल रहे हैं, ये 11 है, पी से लेकर सी तक, इसको इससे मिला दो, तो ये कितना है, 8 है। ए से लेकर सी तक ये 13 है, तो बताओ पी से लेकर क्यू तक क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। बोलो क्या करेंगे, ए सी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग बराबर ए क्यू का वर्ग प्लस पी सी का वर्ग। ए सी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग बराबर ए क्यू का वर्ग और पीसी का वर्ग, ये एक फॉर्मूला है। करो और क्या, रखो वैल्यू, आंसर बताओ, घर जाना हो तो हल करो, नहीं तो देखते रहो। हाँ, एसी कितना है, 13, 13 का वर्ग हो गया 169। PQ का वर्ग हमें नहीं पता। AQ कितना है, A से लेकर Q तक कितना बोला था, 11। 11 का वर्ग कितना हो गया, 121। और P से लेकर C तक कितना है, 8। 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। चलो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 185। 185 में से 169 गया 16, और 16 किसका वर्ग है, बस ये आंसर है। आया? चलो 10 सवाल और बचे हैं, अंतिम 10 सवाल। 49 पे 58 तक जाना है। पढ़ो 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 जल्दी से, कितनी उम्मीद थी तुम लोगों, है ना। क्या मैंने पहले ही बोला था, एक शब्द हमेशा तकलीफ देता है, इसीलिए बोला था। अभी तुम लोग सोच रहे हो इसके बाद खत्म हो जाएगा, इसके बाद एक और पीपीटी रखी है, हो सकता है अपन उसको खोल के और करें। भाई तुम लोग इंटरेस्ट से कितना पढ़ रहे हो, मेरा मन ही नहीं कर रहा है छुट्टी करने का। तो ऐसा लगेगा तो ये और 10-20 सवाल रखे अपन, वो भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो पढ़ लेंगे बिल्कुल, फिर आज सर आंखों से आंसू नहीं, बर्फ आ रही है। हाँ तुम लोगों को देख के मुझे दया आ रही है अब तो। लेकिन दया ही क्या है, दुख का कारण है, तो मैं दया नहीं करूंगा तुम्हारे पे। देखो, कोई स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त पर खींची जाती है जो T पर वृत्त पर मिलती है, PT 8 है, छेदक रेखा PAB। देखो
एक स्पर्श रेखा है इस प्रकार से जो टी पे स्पर्श करती है और इसकी लंबाई कितनी है 8 है। छेदक रेखा PAB ये छेदते हुए जाएगी, ये पी है, ये ए है, ये बी है, है ना, और पी से लेकर ए तक 5 है, तो आपको ए से लेकर बी तक की लंबाई बतानी है। याद है क्या कंसेप्ट? जब ऐसी स्थिति होगी एक स्पर्श और एक छेदक रेखा हो तो पीटी का वर्ग बराबर होता है पीए और पीबी के, हाँ या ना। तो पी से लेकर टी तक का वर्ग यानी 8 का वर्ग 64, पी से लेकर ए तक यानी 5 का वर्ग 25, और पी से लेकर बी तक यानी 5+x पूरा आएगा ना, है ना। तो ये आ गया आपका 64, ये आ गया आपका 25, और ये क्या हो गया 5+x, ठीक है 25, ठीक है। कहां पे, अरे सॉरी 5, मैंने वर्ग लिख दिया ना, हाँ ये 5 आ जाएगा। तो इसको आप जब काट दोगे 64 को 5 से अगर आपने कैंसिल करा तो ये आएगा 12.8, हाँ या ना। और 12.8 में से जब 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7.8, तो आपके x की वैल्यू कितनी आएगी 7.8, हाँ या ना। बड़े आगे पक्का, कितने लोगों में अभी हिम्मत बरकरार है, वेरी गुड। कितने लोग बोल रहे हैं सर बस हो गया अब जाने दो आज के लिए इतना, ये देखो सीख गए तुम आज एक नई चीज, ठीक है बड़े आगे। yes, तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ये लास्ट सवाल था। देखो अब ताली बजा रहे हो, है ना, कितने गंदे बच्चे हो। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लेकिन एक समस्या अपनी हो गई थी, और वो समस्या क्या थी कि शुरू के सवाल के सॉल्यूशन नहीं थे। कर लोगे सर? कर लेंगे, अब तो जाने दो आप तो बस, है ना। देखो कौन कौन से थे, ये तो बहुत आसान था, है ना, ये वाला भी इजी था, ये वाला भी इजी था, और ये भी इजी था, और ये वाला भी इजी था, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, एक मिनट लगेगा बस। बोलो यहां क्या आएगा, पता चलता है कितना याद है, यहां x आएगा, यहां क्या आएगा x/2, और यहां भी क्या आएगा x/2, अरे बापरे x/2+x किसके बराबर था 81 के, और आंसर क्या आया था, ये आया था, यही था, और इसके आगे सॉल्यूशन था, इसका आंसर क्या आया था क्या रट्टा मार के बैठे हो तुम, ये 100 था, और बीसी और एसी बराबर थे, है ना, ये 100 था, तो ये दोनों क्या होंगे 50-50, तो ये 50-50 हो गए, यही था, तो आंसर 50 था। और इसमें क्या था, ये 70 है तो ये 70, और ये 70 है तो ये 50, तो ये भी 50 था, बस बाकी तो सब ठीक है ना। अभी जाना नहीं, अभी रुको जरा, क्या नाश्ता, मैंने नाश्ता तुम लोग के रूम पे पहुंचा दिया है, तुम घर जाओगे तुमको नाश्ता मिल जाएगा। चलो इसकी PDF में अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे जाना, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और आपसे एक विनम्र निवेदन, या आप रिक्वेस्ट या इसको सजेशन जो मानो, एक बार पूरा रिविजन कर लेना, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, बाकी फिर आपकी इच्छा है करो ना करो। तो अगले संडे क्या करें इसका, आओगे पक्का? लग तो नहीं रहा मुझे कई लोगों को देख के, कुछ लोग बोल रहे हैं सर जीवन में गलती एक ही बार करना चाहिए ना। आओगे अगले संडे पक्का? चलो तो अगले संडे फिर 9 से 12 नंबर सिस्टम की मैराथन क्लास रखेंगे, और ये YouTube पर भी लाइव चलेगी, और ये कहां चलेगी, अपनी SSC की एक नई चैनल है उस पर, है ना। तो इसको फिर अगले संडे भी लाइव कर देंगे, और ये सारी चैनल से आप जुड़ जाना, और आज आप सब अपने अपने जो भी टेस्ट हैं उनको लगाना, है ना, टेस्ट जरूर लगाया करो हर संडे। बाकी विनर्स की ऐप है, और ये किताब आप चाहो, मैथ्स की बुक है अपनी, कितने लोगों ने खरीदी है किताब, बहुत सारों ने खरीद ली है, तो जिनको चाहें वो ये खरीद सकते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट या अपने ऑफिस पे उपलब्ध है। और फेसबुक इंस्टाग्राम तो नहीं चलाते हो, कितने लोग चलाते हो हाथ उठाओ, तो बचा ही कौन है। तो फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओ, तो अच्छे लोगों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है
ठीक है, तो मैं आपको आदित्य पटेल विनर्स के नाम से दोनों जगह मिलूंगा, यहां जुड़ जाना। क्या मैंने इसलिए तो पूछा, मैंने मना करा फिर भी तुम सुधरे क्या? मैंने कहा फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए, तो भी सब चलाते हो, नहीं चलाते तो अभी इतने हाथ किसने उठाए थे? फिर से हाथ उठाओ जो लोग चलाते हैं, मम्मी की कसम। ये देखो क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात चल रही ना, नहीं चलाते? चलो नहीं चलाते हो तो आप बहुत अच्छे हो, और चलाते हो तो फिर आप गंदे हो। स्टूडेंट को नहीं चलाना चाहिए, और अगर चला रहे हो तो फिर अच्छे लोगों को भी उस पर जुड़ा करो, ठीक है? चलो, और आपको पता है कि इस नवरात्रि पे विनर्स की लाइब्रेरी लॉन्च हो रही है, है ना? तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, बहुत अच्छी प्रोफेशनल जो एक अच्छी लाइब्रेरी होती है जिसमें प्रॉपर केबिन्स रहेंगे, आप बढ़िया बैठ सकते हो, तो वो लाइब्रेरी का काम अंतिम चरण में है। लेकिन फ्री नहीं रहेगी वो, है ना, क्योंकि उस पर बहुत खर्चा किया है। लेकिन इतना रहेगा कि जितना मार्केट में उसकी फीस चल रही उससे आधी रहेगी, किसी को छूट नहीं मिलेगी। हाँ, वो लाइब्रेरी सिर्फ विनर्स के बच्चों के लिए है, उसमें बाहर वाले कोई नहीं आएंगे, केवल विनर्स के विद्यार्थी उसमें बैठ सकते हैं। और लगभग 24 घंटे तो नहीं, लेकिन आप मान के चलिए कि हाँ 15-18 घंटे तो वो खुली रहेगी, तो आप उसमें बैठ सकते हो। हाँ, ऐसा कुछ कर लेंगे अपन। क्या हाँ, ऑनलाइन वाले भी आ सकते हैं, ऑनलाइन में भी विनर्स की ऐप पे अगर वो पढ़ते हैं तो आ सकते हैं, और ऑफलाइन वाले तो आप वहीं, है ना, और वो बहुत पास है इस बिल्डिंग से, पैदल जाने में 1 मिनट लगेगा। अब वो नहीं बताएंगे, वो लॉन्च होगा तभी बताएंगे। नहीं, यहाँ नहीं है सामने, यहाँ जाने में तो 30 सेकंड लगेंगे। मैं बता दूंगा, ठीक है? तो वो जब लॉन्च हो जाएगा तब आपको बताएंगे। और प्रॉपर उसमें केबिन्स बने हैं, सब पे मतलब पर्सनल टेबल है, उसमें लाइट्स लगे हुए हैं, एसी लगा है, वाईफाई है, पानी की सुविधा, बस इतना ही मिलेगा आपको उसमें। लॉकर्स भी हैं शायद, देख लूंगा मैं एक बार, ठीक है? तो वो भी लॉन्च हो रहा है, नाश्ता भी मिलेगा लॉन्चिंग के दिन, ठीक है? चलो, तो इतना काफी है। कैसा लगा आज का सेशन? मजा आया? पक्का? अब ये गलती दोहराओगे संडे आने की? सच में? चलो, तो अगले संडे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और पूरा रिवीजन करेंगे। तो एक बार जरा जोर से बोलेंगे भारत माता की वी आर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन संडे शुभ रहे, बढ़िया दाल बाटी खाओ, आराम करो, कपड़े धो, नहा लेना आज, सफाई कर लेना, ठीक है? चलो, बाय बाय।